हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वाई फाई स्टडी विच इज अ पार्ट वन अकेडमी। तो रात 10 बजे का भंडारा शुरू हो चुका है और आप जुड़ चुके हो इस भंडारे में या कहें महामैराथन में, जहां मेरी कोशिश होगी कि जितने भी 2 घंटे क्लास में जितने भी चैप्टर देख रहे हो ना आप सामने, आपको दिख रहा होगा सामने जो चैप्टर दिख रहा है ना, कोशिश हमारी होगी कि आज इस भंडारे में बिल्कुल जो मेरे पिटारे में, जो आप कहते हो बाबा के पिटारे में, जो पिटारे में मेरे में है ना, सब उड़ेल दें, ताकि ये जो चैप्टर है इस चैप्टर से आपका सवाल, इस चैप्टर से आपका सवाल ना छूटे। चाहे वो यूरोपीय कंपनियों का आगमन की बात करें, 1857 के रिवोल्ट की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, या फिर गांधी युग की बात करें, ये एक ऐसा चैप्टर इस टॉपिक से डेफिनेटली आप देखोगे कि कम से कम 4 से 5 सवाल प्रत्येक एग्जाम में यानी प्रत्येक शिफ्ट में मिला के पूछे गए हैं। चाहे आप INC से उठा लो, चाहे आप रिवोल्ट से उठा लो, या फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से उठा लो, या गांधी युग से उठा लो। आ रही बातें समझ में? तो बिल्कुल आज इस भंडारे में कोशिश रहेगी हमारी कि बिल्कुल वो सब कुछ उड़ेल दें जिसकी आप उम्मीद करके आए हो हमारे क्लास में। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आज क्या क्या होने वाला है इस क्लास में। बस अपने मोबाइल वगैरह चार्ज करके रखना। और क्लास शुरू करने के पहले, जैसे मैं रोज कहता हूं कि 11:05 पे, 11:05 AM पे सुबह अनअकैडमी पे एक कोर्स लेकर आ रहा हूं बच्चे, जो मंडे टू वेडनेसडे हम थ्योरी की बात करेंगे, और फिर थर्सडे एंड फ्राइडे, थर्सडे को PYQ केवल ग्रुप डी का, और फ्राइडे को PYQ किसका, NTPC जो CBT 2 का, क्योंकि ग्रुप डी 2018 में हुआ था और NTPC CBT 2 2016-17, यानी दोनों को कवर करेंगे। याद रखना कहाँ, अनअकैडमी पे। अब सब्सक्रिप्शन लेके जुड़ सकते हो हमारे साथ रेफरल कोड BABA10 लगाकर, है ना। इसके अलावा अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप रेफरल कोड BA10 यूज कर सकते हो। और एक चीज़ बच्चे, ये जो कॉम्बेट नेक्स्ट SSC कॉम्बेट यानी परसों संडे को 7 मार्च को है दोपहर 12 बजे, तो अपने टाइम फिक्स कर लेना और यूज करना रेफरल कोड BA10 और इनरोल जरूर करना, अपने आप को इनरोल जरूर करना, है ना। चलिए तो क्लास शुरू करने के पहले थोड़ा सा समझते हैं यूरोपीय कंपनी का जो आगमन है, बिल्कुल समझना, जो यूरोपीय कंपनी है का जो आगमन हुआ है भारत में, आप बता सकते हो सीक्वेंस में कि कौन कौन कंपनी पहले आई है, जरा बताइए कमेंट बॉक्स में कौन कौन सी कंपनी पहले आई है, जरा बता सकते हो क्या। देखो मैंने एक ट्रिक दिया था, आपको याद होगा कौन कौन सी कंपनी, बिल्कुल समझना क्योंकि ये समझ लोगे ना तो सवाल बनाने में बहुत मजा आएगा। देखो समझना, जितने सारे कंपनी हैं सारे यूरोपीय कंपनी हैं, तो सारे यूरोपीय कंपनी हैं तो ईस्ट क्यों लगाते हैं, जैसे समझना बहुत मजा आएगा। देखो पुर्तगाल, फिर इससे अंग्रेज, फिर इससे डच, फिर इससे डेनिश, फिर इससे फ्रांसीसी, और फिर इससे स्वीडिश। ये कंपनी है। अब एक चीज मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में कि कंपनी की जो स्थापना हुआ है वो भारत में स्थापना हुआ है या अपने अपने देशों में स्थापना करके आई है। केवल बस यही बताना है कि इन कंपनियों का जो स्थापना क्या भारत में होता है आकर या अपने अपने देश में करते हैं, बस केवल ये बता दो मुझे, मुझे केवल ये बता दो। आपको पता होगा 1498 में पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना,
1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। क्लियर है, आ रही बातें समझ में? क्या बफर हो रहा है क्या? रुक जाओ, मैं कोशिश कर लूं एक बार, देखो अब सही है, अब सही है, अब ओके है, अब सही है। अब जरा बताओ मुझे, अब सही हो गया, देखो अब सही है। अब बता दो, अब सही है, अब ओके, अब सही है। अब सही हो गया। तो अपने अपने देश में जब स्थापना हो गया, अब समझना, तो लेकिन जब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद कौन सी कंपनी आती है, तो हमेशा याद रखना कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद डच आता है, ना कि अंग्रेज। क्यों? क्योंकि अपने देशों में स्थापना करने के बाद अंग्रेज भारत में 1608 में आते हैं। ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना, सारे कंपनी अपने अपने देशों में स्थापना करके भारत आती है, सारे कंपनी अपने अपने देशों में स्थापना करके भारत आती है, इसीलिए कहते हैं। अच्छा एक चीज़ और समझना कि जितने सारे हैं सब ईस्ट लगा हुआ है, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट क्यों लगा हुआ बता सकते हो क्या? ईस्ट क्यों लगा हुआ बता सकते हो क्या? ईस्ट क्यों लगा हुआ है? देखो ये थोड़ी अर्थ की बात करें, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो सारे कंपनियां व्यापार करने के लिए ईस्ट में इंडिया में आई थी, इसीलिए सारे कंपनियों में ईस्ट लगा हुआ है। यूरोप पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर है? क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है ना? अब आते हैं सवाल पे, देखते हैं कि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई है, सारी जो आई है यूरोपीय कंपनियां, उससे क्या क्या सवाल बनेगा। ठीक है, आगे जा आगे देखो। सवाल नंबर एक, वास्को डगामा ए सेलर बिलोंग्स टू, वास्को डगामा एक नाविक है, वो किससे संबंधित है? पुर्तगाली, अमेरिकी, जर्मन, दक्षिण अमेरिकी। सवाल नंबर एक, जल्दी सवाल नंबर एक बता दो क्या होगा। ठीक है, बता दो क्या होगा, क्या होगा? पुर्तगाली। वास्को डगामा एक नाविक है जो कहाँ से है? तो वास्को डगामा एक नाविक है जो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी है, पुर्तगाल से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? पुर्तगाल से संबंधित है, बिल्कुल याद रखना। कहाँ से संबंधित है भाई? पुर्तगाल से संबंधित है। ठीक है, ठीक ना, आगे देखो नेक्स्ट। भारत का सीधा समुद्री मार्ग किसने खोजा था? पुर्तगाली, जर्मन, फ्रेंच, डच। जल्दी क्या होगा? देखो तो पुर्तगालियों ने खोजा था, आपको याद होगा कि केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप जिसे कहते हैं हिंदी में उत्तमासा अंतरीप, उत्तमासा अंतरीप, इसकी खोज किसने की? आपको याद होगा किसने की इसकी खोज? इसकी खोज करता है बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो लोमियो डियाज या डायस इसकी खोज करता है। ये कहाँ है? ये अफ्रीका में है, ये अफ्रीका में है, और इसी रोड के जरिए पुर्तगाली भारत आते हैं, वास्को डगामा आता है भारत। क्लियर है? बिल्कुल समझते चलना, आज के बाद ये मत सोचना सर कॉन्सेप्ट की बात है ना। तो केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? बार्थोलोमियो डियाज ने की, जो एक नाविक था। इसी के जरिए भारत का सीधा समुद्री मार्ग पुर्तगाली खोजा 1498 में, जो वास्को डगामा आया था भारत में, 1498 में वास्को डगामा भारत आया था। क्लियर है ना? आगे देखो नेक्स्ट। डच ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया? नागपट्टनम, मसौलीपट्टनम, पुलिकट, कोचीन। सवाल नंबर तीन, सवाल नंबर तीन बताओ क्या होगा। तो डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था?
डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में। अब देखो कितने सवाल बनेंगे। 1608 में जब अंग्रेज आते हैं भारत में, अंग्रेज भारत आते हैं, तो आपको याद होगा कि 1608 में भारत में जहांगीर का कार्यकाल है, जहांगीर का शासन है, और अंग्रेज लगाते हैं पहली फैक्ट्री अपनी सूरत में, लेकिन सूरत में फैक्ट्री बंद हो जाता है और अंग्रेजों की पहली वैधानिक फैक्ट्री कानूनन फैक्ट्री, या अंग्रेजों की दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री भी मसूलीपट्टनम थी, याद रखना। दोनों की, डचों के भी और अंग्रेजों की भी पहली वैधानिक फैक्ट्री कहाँ? मसूलीपट्टनम है। कहाँ है? मसूलीपट्टनम है, याद रखना, ठीक है। मसूलीपट्टनम कहाँ है? ये तो ये आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, कौन से यूरोपीय शक्ति थी जो अंतिम में भारत पहुंची है? पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रेंच, डच। सवाल नंबर 4, जल्दी। वह कौन सी यूरोपीय शक्ति थी जो अंतिम समय में भारत पहुंची है? पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रेंच, डच। सवाल नंबर 4, तो क्या होगा? अभी मैंने बताया, सबके ईयर बताए हैं, क्या होगा? पुर्तगाली 1498 में भारत आती है, ये 1608 में भारत आते हैं, डच 1602 में भारत आते हैं, फ्रेंच 1664 में भारत आते हैं, फ्रेंच 1664 में भारत आते हैं, यानी क्या हो गया? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखना, ठीक है। आगे देखो, फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत, मसूलीपट्टनम, पुलिकट, कोचीन। सवाल नंबर 5, क्या होगा? तो बच्चे सूरत। अब देखो दोनों चीजें इक्वल है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला फैक्ट्री भी सूरत था और दूसरा फैक्ट्री भी मसूलीपट्टनम था। और फ्रांसिसियों की भी पहली फैक्ट्री सूरत है और दूसरी फैक्ट्री कहाँ? मसूलीपट्टनम है, याद रहेगा। यानी अंग्रेजों की भी पहली फैक्ट्री सूरत, दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, और फ्रांसीसियों की भी पहली फैक्ट्री सूरत और दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम। क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है, आगे देखो। अब देखो सवाल थोड़े से बड़े हैं, पढ़ना आराम से, घबराना मत कि सर इतने लंबे लंबे सवाल क्या होगा, बिल्कुल आराम से पढ़ना कि कौन सा कथन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सही नहीं है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1723 ईस्वी में यनम, 1725 में मालाबार तट पर माहे और 1739 में क्राइकाल पर कब्जा कर लिया। सूरत में उन्होंने अपनी पहली कंपनी स्थापित की। तीसरा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1764 में हुआ। लुईस 14वां के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ है, क्या होगा? जल्दी, क्या हो गया बताओ, क्या होगा? कहाँ बफर हो रहा है, ना बोला करो ऐसे बफर की बातें, क्या होगा? बिल्कुल आसान सवाल, देखो अभी तो मैंने बताया कि इसका गठन 1664 में हुआ है। कब हुआ है? 1664 में हुआ है। कब हुआ है? 1664 में हुआ है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान तो है, बाकी बात ये याद रख लेना, ये याद रख लेना, बिल्कुल है ना, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि 1664 में स्थापना हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1764 है, 1764 है, अभी तो बताया मैंने, कहाँ ध्यान है। आगे देखो, कौन सा कथन सही नहीं है? वांडिवस की लड़ाई फ्रांसीसी और पुर्तगाली के बीच लड़ी गई। ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी मुख्य रूप से व्यापार और वाणिज्य के उद्देश्य से भारत आए। ऑप्शन नंबर सी, 1673 में बंगाल के मुगल सूबेदार ने फ्रेंच को चंद्रनगर में एक टाउनशिप स्थापित करने की अनुमति दी। ऑप्शन नंबर डी, कंपनी का गठन 1664 में हुआ था। कौन सही नहीं है, क्या होगा? जल्दी बताओ, क्या होगा? जल्दी
भाई अमित कुमार जी पढ़ लो, सबका एनटीपीसी सही हुआ है, तुम्हारा भी सही होगा, है ना, पढ़ लो बेटा। क्या होगा मुख्य रूप से, कौन सा कथन सही नहीं है? ये वांडिवर्स की लड़ाई फ्रांसीसी और पुर्तगाली के बीच लड़ी गई थी, गलत। किसके बीच लड़ी गई थी आपको ये समझना पड़ेगा, किसके बीच लड़ी गई थी? तो वांडिवर्स की लड़ाई 1760 में फ्रांस के बीच और ब्रिटिश के बीच में लड़ी गई थी, जबकि ऑप्शन में क्या है? फ्रांसीसी और पुर्तगाली, जबकि सही क्या होगा? फ्रांस और अंग्रेज के बीच लड़ी गई थी। किसके बीच? फ्रांस और अंग्रेज के बीच लड़ी गई थी, ठीक है, फ्रांस और अंग्रेज के बीच लड़ी गई थी, बिल्कुल याद रखना, फ्रांस और अंग्रेज के बीच लड़ी गई थी। किसके बीच? ठीक है, जिसमें फ्रांसीसी सेना बुरी तरह से ब्रिटिश सेनाओं से हार गई। वांडिवर्स की लड़ाई पूरी तरह फ्रांसीसी क्या हो गया? वास हो गया, पूरी तरह से पराजित हो गया, है ना। आगे देखो, कौन सा कथन सही नहीं है? 1814 ईस्वी में एंग्लो डच संधि पर हस्ताक्षर किए गए, डचों ने भारत में रहने के दौरान सिक्कों की टकसाल पर हाथ आजमाया, मतलब सिक्कों की ढलाई की। सवाल नंबर सी, ओहो ओहो, उपरोक्त सभी गलत हैं, ये तो जवाब लीक हो गया, ये तो जवाब लीक हो गया, जवाब लीक हो गया। अब देख लो सारे सारे गलत हैं, सही क्या होगा? सही ये होगा कि 1824 में एंग्लो डच संधि, जिसे लंदन की संधि कहते हैं, लंदन की संधि कहते हैं, के रूप में जाना जाता है, 17 मार्च 1824 को किसके बीच बच्चे? यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड के बीच हस्ताक्षरित संधि थी, हस्ताक्षरित संधि थी। अच्छा ये बताओ, सच्ची में बफर हो रहा है यार, मत बोला करो ऐसे, कुछ बच्चों की क्लास सही चल रही है, बफर हो रहा है, मैं अपने मोबाइल में भी चला रहा हूँ, बिल्कुल कहते हो बफर हो रहा है, ऐसे मत कहा करो कि बफर हो रहा है रेगुलर, है ना। ठीक है भाई, यह संधि 1814 में एंग्लो डच संधि के निष्पादन से उत्पन्न विवाद को हल करने के लिए किया गया था। सवाल नंबर 9, कौन सा कथन पुर्तगाली के बारे में सही नहीं है? बताइए क्या होगा, जल्दी। तो क्या कहता है, भारत में तंबाकू की खेती लेकर आए थे कौन? पुर्तगाली। भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट में कैथोलिक धर्म फैलाते हैं। भारत में पहली बार 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई और द इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स पहला वैज्ञानिक कार्य था, जिसे 1563 में आंध्र प्रदेश में प्रकाशित किया गया था। सवाल नंबर 9 क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा। क्या होगा बच्चे, देखो बाकी बात कौन सही नहीं है, ये सही है। देखो तंबाकू की खेती कौन लेकर आते हैं? तंबाकू, आलू, तंबाकू भी, पोटैटो भी, और फिर ये सब कौन लेके आते हैं? पुर्तगाली लेके आते हैं। वे भारत आकर पश्चिमी और पूर्वी तट में कैथोलिक धर्म फैलाना शुरू कर दिए और पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी किसके द्वारा की गई? पुर्तगालियों के द्वारा की गई। अगर आज के क्लास में सीख लोगे ना, आज के क्लास में सीख लोगे, कभी गलती नहीं होगा, ठीक है, आज के क्लास में सीख लोगे, कभी गलती नहीं होगा, कोई बफर नहीं है, बिल्कुल बफर नहीं है, अगर ना पढ़ना हो तो सो कहो, ठीक है भाई, बफर है फर्जी की बातें। तो पुर्तगाली पहले यूरोपीय थे जो पौधों और विशेष रूप से औषधीय पौधों पर वैज्ञानिक रूप से लिखते थे, हमेशा याद रखना, ठीक है। आगे देखो, भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत किसने की? जल्दी क्या चाहते हो, अगर बफर हो रहा है फिर क्लास को बंद करना पड़ेगा? अगर आपको लगता है कि सर बफर हो रहा है फिर क्लास को बंद कर दें, बता दो मुझे, बंद कर दे क्लास को, अगर आपको बफर लग रहा है तो फिर मैं क्लास को बंद करूं। लॉर्ड वेलेसली, सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत किसने की? लॉर्ड वेलेसली ने की, और आपको याद होगा हैदराबाद, हैदराबाद पहला ऐसा राज्य था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था, सहायक संधि को स्वीकार किया था। कब की बात है ये, तो जरा बता सकते हो? 1798 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया गया था, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। हाँ, मोजैक रोग ही तंबाकू में होता है ना बच्चे,
इलाहाबाद की संधि किसके बीच देखने को मिलती है? शुजाउद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, मीर जाफर और शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, वाजिद अली शाह और शाह आलम द्वितीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। सवाल नंबर 11, जल्दी। क्या होगा? दो तीन बच्चे हैं जिनसे पता चल जाएगा बफर ओवरराइड नहीं हो रहा है। एक डेडमैन, एक शिवली जी हैं, सिंपी हैं, जरा बता दो, आनंद सिंह हैं, मनीष गुप्ता हैं, बच्चे बता दो क्या बफर हो रहा है सच्ची में? क्या होगा? तो बच्चे इलाहाबाद की संधि, दो संधि होती है इलाहाबाद की। कितनी? दो संधि होती है इलाहाबाद की, दो संधि करी जाती है, एक शुजाउद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच, और दूसरा संधि देखते हैं। अब देखो, पहला संधि 12 अगस्त 1765 को, पहला संधि याद रखना, कब होता है पहला संधि? पहला संधि की बात करें तो इलाहाबाद की पहला संधि 12 अगस्त 1765 को, 12 अगस्त 1765 को, क्लियर? देखो मनीष ने कह दिया नो बफर, है ना? देखो इसके बाद यह संधि क्लाइव, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला के मध्य संपन्न हुआ, ठीक है? लेकिन अगर मैं दूसरी संधि की बात करूं जो 16 अगस्त 1765 को होता है, यह किसके बीच? क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच में। तो याद रखना इलाहाबाद की दो संधि हुई है, इलाहाबाद की दो संधि, कितनी संधि? इलाहाबाद की दो संधि हुई है, दोनों याद रखना, दोनों याद रखना, किसके किसके बीच हुआ है। टाइम पीरियड भी मैंने बता दिया, टाइम पीरियड भी मैंने बता दिया, ठीक है? आगे देखो, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? बिल्कुल आसान सवाल, व्हेन वाज द बैटल ऑफ बक्सर फाउट, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? जल्दी मैंडी, आप भी हो बच्चे, सहायक संधि पर हस्ताक्षर सबसे पहले हैदराबाद में, वही तो बताया मैंने, जल्दी। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? देखो दो चीजें हैं, एक 23 जून 1757 है जो प्लासे का युद्ध है, किसके बीच लड़ा गया प्लासे का युद्ध? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव है वर्सेस बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच। लेकिन 22 अक्टूबर 1764 को क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था, तो किसके बीच? हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो वर्सेस ट्राई पावर, वर्सेस ट्राई पावर, ट्राई पावर कौन? एक तरफ से कौन था? तो अवध का नवाब, एक तरफ से कौन था? बंगाल का नवाब, और एक तरफ से कौन था? मुगल शासक यानी मुगल बादशाह, याद रहेगा ये ट्राई पावर था, ये याद रखना बिल्कुल, है ना, ये याद रखना बिल्कुल। सहायक गठबंधन प्रणाली का पहला शिकार कौन सा राज्य था? लो अभी तो मैंने बताया, बताओ। जल्दी बताओ, तो सहायक गठबंधन प्रणाली का पहला शिकार कौन था? बताओ जल्दी क्या होगा? हैदराबाद कौन था? हैदराबाद। और ये याद रखना अवध है ना, अवध को कुप्रशासन के आरोप में, कुप्रशासन के आरोप में हड़पा गया था। क्या गया था? हड़पा गया था। कौन हड़पा था? तो आपको याद होगा डलहौजी। कौन हड़पा था? डलहौजी। कौन हड़पा था? डलहौजी, याद रखना। ये बहुत बड़ी भूल थी अंग्रेजों की, ये बहुत बड़ी भूल थी अंग्रेजों की, बिल्कुल याद रखना, है ना। आगे देखो, अब देखो सवाल नंबर 15 क्या कहता, आराम से पढ़ना। हड़प के सिद्धांत की नीति क्या थी? राज्यों को पुत्रों, राज्यों को पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में अपनाने की अनुमति दी गई, राज्यों को पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में अपनाने की अनुमति नहीं थी। ऑप्शन नंबर 3, इस प्रणाली के अनुसार भारत के प्रत्येक शासक को ब्रिटिश सेना के रखरखाव के लिए अंग्रेजों को सब्सिडी देने के लिए स्वीकार करना पड़ता था। इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 15 आराम से क्या होगा?
जल्दी बता दो क्या होगा, क्या होगा? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। जितने भी सी कह रहे हैं बिल्कुल गलत होगा। देखो बी क्या होगा, बी बच्चे ये जो सी देख रहे हो ना कि इस प्रणाली के अनुसार, किस प्रणाली के अनुसार? ये है सहायक संधि, ये है सहायक संधि के अनुसार। ऑप्शन क्या कहता है सी? सहायक संधि के अनुसार। भाई यही तो था कि हड़प सिद्धांत क्या था कि भाई जिन राजा को, जिन महाराज को अपना पुत्र नहीं है वो गोद नहीं ले सकते हैं, और अगर गोद लेंगे तब आपके राज्य को हड़प लिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, गोद निषेध प्रथा कहा गया था इसे, याद होगा अगर मैंने पढ़ाया होगा, कभी आपने पढ़ा होगा गोद निषेध प्रथा कहा गया। किसने लाया इसे? तो डलहौजी ने लाया। किसने लाया इसे? डलहौजी ने लाया। अरे बात समझ में, मतलब सोचो क्या दिमाग लगाया डलहौजी ने, आपका बच्चा नहीं है, पता लगाया, पता करो कितने राजा को बच्चा नहीं है, कौन ऐसा राजा है जो गोद लेना चाहता है, पता लगा लिया, बोला महाराज पहले तो कौन है, पहले सतारा है, पहले सतारा है जो महाराष्ट्र का है, बोला अच्छा हड़प लो, आज से आपका राज्य हमारा, क्यों आपका बच्चा नहीं है आप गोद नहीं ले सकते हो, ये स्थिति थी। क्लियर है? अगर क्लियर है तो जरा सा थंब दिखा देना सर, बिल्कुल क्लियर है। है ना, आगे देखो कौन सा कथन हड़प के सिद्धांत के बारे में सच नहीं है। आ जाओ, और शुरुआत डलहौजी ने की थी, दूसरा 1848 और 1856 के बीच परिचालन में था ये, तीसरा इस नियम के तहत नागपुर पहला राज्य था, चौथा सतारा, जयपुर, झांसी, नागपुर राज्य इसी नियम के तहत हड़पे गए थे। सवाल नंबर 16 क्या होगा, जल्दी क्या है ये बता दो। तो क्या होगा ये, देखो पहला नागपुर नहीं, अभी तो बताया मैंने भाई, अभी तो मैंने बताया सतारा, अभी तो मैंने बताया सतारा, ये तो आपके सामने है, ये तो सामने है जो शुरुआत की गई थी 1848 से 56। और बता चुके हैं कि अवध को कुप्रशासन के आरोप पे, कुप्रशासन मतलब कि राजा आप प्रशासन चला नहीं पा रहे हो, आपसे जनता त्रस्त है, इसलिए मैं आपके राज्य को हड़प लूंगा। ये देख के और सारे राज्य डरने लगे कि भाई ये तो किसी प्रकार से मिलाने पे तुल गया है, इसीलिए तो 1857 का रिवोल्ट देखने को मिला हमें, है ना। अजब आगे, हड़प के सिद्धांत की नीति के तहत संलग्न राज्यों का सही क्रम क्या है, पहला से अंतिम। याद रखना ये सब सारे सारे सवाल आपको मेंस में ना देखने को मिले तो फिर मुझे बताना कि सर आपने बोला था, क्योंकि बच्चे बिल्कुल मिलेंगे, याद रखना इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। शुभम एसएससी सीजीएल के लिए बैच चल रहा है बच्चे, 18 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है अनअकैडमी पे। पहले सतारा, फिर जयपुर, फिर संभलपुर, फिर बघाट, ये सीक्वेंस है, क्योंकि पहली बार सतारा 1848 में था। इनका जवाब सही है, स्वीटी सिंह का जवाब सही है, बहुत बढ़िया। आनंद सिंह का जवाब सही है, बहुत बढ़िया। गजेंद्र का भी जवाब सही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, है ना, याद रखना। आगे आ जाओ, तो कंपनी ने हड़प के सिद्धांत के अंतर्गत सतारा 1848 में, जयपुर और संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, ये आपके सामने है, ये आपके सामने है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध कब लड़ा गया था, 1846, 1826, 1725, 1816। सवाल नंबर 18, जल्दी क्या होगा, बेटा जयपुर भी है, जयपुर भी है, दोनों है, याद रखना, है ना। तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध की बात करें 1846 में लड़ा गया था, कब लड़ा गया, 1846 में लड़ा गया, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। आगे देखो, तो एंग्लो सिख युद्ध, दो युद्ध हुए थे बच्चे, ब्रिटिश और सिख साम्राज्य के बीच में, कब कब हुआ था, तो पहला 1845 से 46 और दूसरा 1848 से 49, याद रहेगा,
दो युद्ध लड़े गए थे। कितने? दो युद्ध लड़े गए थे आंग्ल सिख युद्ध के बीच में। किस युद्ध ने भारत के अंतिम शासकों को अंग्रेजों का फैसला किया? गारंटी है इस सवाल में गलती करोगे। मैंने क्या कहा? गारंटी है इस सवाल में गलती करोगे। सवाल नंबर 19 क्या कहता है जरा बता दो जल्दी, क्या होगा? मैं आपको बताऊं बक्सर का युद्ध अंग्रेज बोला है, अंग्रेजी सरकार नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं, अंग्रेज बोला है, ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं, बिल्कुल याद रखना। अगर यहां बोलता ब्रिटिश गवर्नमेंट तब आप लगाते क्या 1857 का रिवोल्ट। लेकिन क्या बोला है, आ रही बात है समझ में? क्योंकि समझना सवाल क्या कहता है कि किस युद्ध ने भारत के अंतिम शासकों के रूप में अंग्रेजों का फैसला किया, क्योंकि यह पता है कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध हुआ, उस युद्ध ने यह तय कर दिया कि भारत में शासन किसका होगा। अगर बोलता ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का फैसला, तब आप बिल्कुल लगाते रिवोल्ट ऑफ 1857 बिना सोचे समझे। क्लियर है ना? आ जाओ आके नेक्स्ट। अब आते हैं 1857 के रिवोल्ट की बात करते हैं, 1857 रिवोल्ट। तो थोड़ी सी थ्योरी समझते हैं 1857 रिवोल्ट की बात, इसके बाद समझते हैं, ठीक है? आ जाओ आगे देखो। द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण विद्रोह है। क्यों महत्वपूर्ण विद्रोह बच्चे? क्योंकि यह तय हो गया कि अब भारत में शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ना करेगी। कौन करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी, ब्रिटिश सरकार करेगी प्रत्यक्ष रूप से। मतलब कि जो लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल के दौरान देखने को मिलता है, आगे आ जाओ। इस समय अब देखो सवाल यहां से बनना शुरू होगा। पहला सवाल क्या बना कि जब 1857 का रिवोल्ट था तब गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बिल्कुल नोट डाउन करते चलना, लिखते चलना वन लाइनर लिखते चलना, बहुत मजा आएगा, ठीक है? बिल्कुल वन लाइनर लिखते चलना। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामर्स्टन थे। कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामर्स्टन थे। फिर एक सवाल आएगा, सर जब युद्ध हो रहा था तो कंपनी के सेनापति कौन थे? तो कंपनी के कमांडर इन चीफ कॉलिन कैंपबेल थे। कौन थे? कॉलिन कैंपबेल थे। क्लियर है? लिख लिए, नोट कर लिए तीन पॉइंट। पहला तीन पॉइंट लिख लिए, क्योंकि लिखते चलना, बिल्कुल भूलना मत। आगे देखो, विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूं। बिल्कुल देखो, 29 मार्च 1857 को क्या हुआ? मंगल पांडे जानते होंगे, वही बैरकपुर छावनी में जो पोस्टेड था बच्चे, भाई यूपी बलिया का जो पोस्टेड था, बलिया के नगवा गांव से इनका संबंध था और ये पोस्टेड थे, और साहब ये ब्राह्मण थे। इन्होंने देख लिया कि चर्बी वाला जो कारतूस है, बिल्कुल सुअर और गाय के चर्बी लगाया है, मुंह से काटेंगे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो मंगल पांडे जिन्होंने एक नारा दिया था, याद होगा क्या नारा दिया? मारो फिरंगी को। इन्होंने अपने दो अधिकारी की हत्या कर दी। कौन अधिकारी? अब ये देखो, याद रखना कौन कौन अधिकारी है। शूसेन और बाघ की हत्या कर दी। बोला ना करेंगे युद्ध, चाहे जो करना है कर लो। जब ऐसा हुआ बच्चे, तब 29 मार्च 1857 को 8 अप्रैल 1857 को इनको हैंग कर दिया गया, फांसी पे लटका दिया गया। बिल्कुल याद रखना, इसीलिए लटकाया गया सबके सामने कि डरेगा। काहे डरेंगे? बैंड बजा दिया इन लोग, हम लोगों ने इस युद्ध में इनकी। तब जाकर इनको गिरफ्तार किया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। लेकिन एक सवाल बनता है, सर विद्रोह कब शुरू हुआ ये तो बता दो। बिल्कुल, विद्रोह वास्तव में मेरठ में 10 मई 1857 को शुरू होता है। और कौन शुरू करता है? तो 20 NI और 2nd NI। तो NI क्या था? नेटिव इन्फेंट्री मतलब पैदल टुकड़ी देसी सेना जो है, सो
याद रहेगा कि एनआई मतलब क्या हुआ, वो 34वें एनआई से संबंधित थे मंगल पांडे। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? यहाँ तक अगर क्लियर है तो जरा बताना, सर बिल्कुल क्लियर है ना। आगे देखो, अब आते कुछ सवाल देखते हैं, इसके बाद मजा आएगा। सवाल नंबर 1, 1857 विद्रोह में तात्या टोपे की भूमिका क्या थी? नाना साहब की सेना के कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पंचमहल क्षेत्र के भीलों को संगठित किया, उन्होंने अवध को हासिल करने हेतु बेगम हजरत महल की मदद की। बताइए क्या होगा सवाल नंबर 20, जल्दी। सवाल नंबर 20, श्रेया अभी टाइम है 2 महीने से ऊपर, ग्रुप देखिए क्या होगा। ओनली ए एंड बी, अवध को हासिल करने के लिए बेगम हजरत महल की कोई मदद नहीं की। तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम जरा बता सकते हैं क्या? तात्या टोपे का वास्तविक नाम बता सकते हो क्या? तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। और नाना साहब का वास्तविक नाम धोंधू पंत, याद रखना धोंधू पंत, ठीक है, बिल्कुल याद रखना। आगे देखें, तात्या टोपे ने क्या किया समझना, बेगम हजरत महल की अवध को हासिल करने में मदद नहीं की। अब इसने क्या किया, इसने रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब के बीच मीटिंग फिक्स करने में मदद की, ये याद रखना। क्या किया, नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई के बीच की थी, किसके बीच, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब के बीच में, ठीक है, याद रहेगा है ना। आगे देखो, किस गवर्नर जनरल के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह हुआ है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लिटन डलहौजी। सवाल नंबर 21, जल्दी। क्या होगा बच्चे? तो लॉर्ड कैनिंग के नेतृत्व में, गवर्नर के नेतृत्व में 1857 का रिवोल्ट होता है, बिल्कुल याद रखना है ना, ठीक है। डेडमन आत्माराम पांडुरंग ना होगा, बिल्कुल है ना। आगे आ जाओ, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 किसने लिखा है? एस एन सेन, आरसी मजुमदार, वी डी सावरकर, कार्ल मार्क्स। सवाल नंबर 22 क्या होगा, जल्दी। सवाल नंबर 22 क्या होगा, बताओ क्या होगा। तो क्या होगा बच्चे, वी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। कौन लिखता है, विनायक दामोदर सावरकर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 लिखा था, याद रखना, ठीक है। आगे देखो, 1857 विद्रोह के दौरान लखनऊ में प्रमुख नेता कौन थे? बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर। सवाल नंबर 23, जल्दी। अरे यार, इतने प्रीवियस ईयर पढ़ाते हैं फिर भी प्रीवियस ईयर की डिमांड है। ए भाई, सुबह 10 बजे आवता नहीं, कहाँ पर, अनअकैडमी पर आवा, सुबह 10:05 पे प्रीवियस ईयर चलता, बुझाता कि नहीं खे, हाँ बताएं। 1857 विद्रोह के दौरान लखनऊ को हम अवध भी कहते हैं। बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, कुंवर सिंह कहाँ, तो जगदीशपुर आरा बिहार है ना, और बहादुर शाह जफर दिल्ली है ना, ठीक है। तो 1857 विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल लखनऊ में प्रमुख विद्रोही नेता थी, जहां ब्रिटिश अधिकारी कॉलिन कैंपबेल ने विद्रोह को दबा दिया, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। आगे देखो, सर ह्यूरोज ने विद्रोही के सबसे अच्छे और सबसे बहादुर सैन्य नेता के रूप में किसे वर्णित किया है? बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर। क्या हो गया, क्या हो गया भैया, क्यों हो गया, क्या हो गया? मैंने जो बोला
मैंने जो बोला वो भोजपुरिया था, बिल्कुल बिहार के बच्चे, झारखंड के बच्चे और पूर्वांचल के बच्चे समझ गए कि मैंने क्या बोला। मैंने क्या बोला वो बिहार पूर्वांचल के बच्चे समझ गए बिल्कुल, है ना। तो रानी लक्ष्मीबाई को इन्होंने क्या कहा कि विद्रोही के सबसे अच्छे और सबसे बहादुर सैन्य नेता, ठीक है, ठीक ना, समझना। आगे आगे देखो तो सर हीरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोही के सबसे अच्छे और सबसे बड़े सैन्य नेता के रूप में वर्णित किया था। स्टेटमेंट जरूर याद रखना बिल्कुल। आगे देखो नेक्स्ट, कुंवर सिंह और मौलाना अहमदुल्ला ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। वन जगदीशपुर, फैजाबाद, लखनऊ, मेरठ, जगदीशपुर, मेरठ, जगदीशपुर, लखनऊ। सवाल नंबर 25 जल्दी। क्या हो गया? आरा बिहार से, ओके। तो क्या हो गया? देखो एक साथ दो सवाल हैं, एक साथ दो सवाल है। क्या दो सवाल है? कुंवर सिंह तो आपको पता है जगदीशपुर, आरा भोजपुर, आरा भोजपुर बिहार में। लेकिन मौलाना अहमदुल्ला की बात करेंगे, ये फैजाबाद है। मौलाना अहमदुल्ला की बात करेंगे, ये फैजाबाद, वही फैजाबाद जिसे हम अयोध्या के नाम से जानते हैं। आज डिस्ट्रिक्ट हो गया अयोध्या, है ना, क्लियर है भाई। आगे देखो नेक्स्ट, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857-59 पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, वीडी सावरकर, आरसी मजूमदार, एस एन सेन। सवाल नंबर 26 जल्दी। तो क्या कहता है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857-59 की बात करेंगे। इस पुस्तक को लिखा किसने? कार्ल मार्क्स ने। किसने लिखा? कार्ल मार्क्स ने। याद रखना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कमिंग एग्जाम, है ना। नेक्स्ट की बात करें, ये देखो पुस्तक भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857-59 पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं, जिन्होंने लिखते हैं कि ब्रिटिशों के खिलाफ सिपाही विद्रोह, ब्रिटिशों द्वारा किए गए जवाबी कार्रवाई का वर्णन है। मतलब इन्होंने क्या किया कि भारत का पक्ष रखा है और कहा है कि सैनिकों ने ऐसे विद्रोह नहीं किया। यो क्यों किया? कि ब्रिटिशों के खिलाफ सिपाही विद्रोह है। ब्रिटिशों के खिलाफ ब्रिटिश ने क्या किया कि बहुत ज्यादा क्रश किया था भारतीयों पर, है ना, बहुत ज्यादा क्रश किया था भारतीयों पर। आगे देखो, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की नायिका महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कहाँ है? जरा बता दीजिए, आगरा, झांसी, वाराणसी, वृंदावन। सवाल नंबर 27 जल्दी। 12 मार्च के NTPC, हाँ तो तोड़ दा, है ना, तोड़ के आना बिल्कुल, सिस्टम में बिल्कुल तोड़ के आना, है ना, जल्दी बताइए क्या होगा। देखो समझना, वाराणसी, अब लगाएंगे झांसी, लगाएंगे झांसी, देख लो कई लोग लगाएंगे झांसी। ए भैया अब बताएं, माता सीता का जन्म जनक में हुआ है जो नेपाल में है, इनका ब्याह होता है राम जी से, अयोध्या आती है, अयोध्या आती है। जब आपको पूछा जाएगा कि माता सीता का जन्म स्थान था, कहाँ बताओगे? अयोध्या कि जनक, जनकपुरी ना जो नेपाल में, तो उल्टा पुल्टा काहे बताते हो। पूछा है कि महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में, भाई मेरे झांसी की बहू थी ये, झांसी की बहू थी ये, तो भैया बहू थी ना, जन्म स्थान ना। हाँ, इनकी मृत्यु अगर बोलते तो ग्वालियर, इनकी मृत्यु बोलते तो ग्वालियर बोलते। तो ये तो समझ लो, ये तो समझ लो, हे भगवान, माता सीता को भी लोग ना समझ पाए, बताओ। आगे देखो, विद्रोह के बारे में कौन सा कथन, कौन सा सत्य नहीं है, आपके सामने है। विद्रोह सांप्रदायिक दंगों से भरा पड़ा था। पहला, हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच सभी स्तरों पर पूर्ण सहयोग था। दूसरा, गोवध पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तीसरा, चौथा, विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया। सवाल नंबर 28 क्या होगा? है ना,
तो विकास इनके पति एक भी युद्ध नहीं लड़े तो क्या करोगे, इनका ससुराल मायका बना दोगे? देखो सांप्रदायिक दंगों से भरा पड़ा था, गलत, हिंदू मुस्लिमों ने साथ में लड़े भाई। क्यों? क्योंकि जो चर्बी वाला कारतूस था, आपको पता होगा कि गाय और सुअर दोनों का यूज किया गया था। गाय की जगह चर्बी थी तो हिंदुओं के लिए हराम, सुअर की चर्बी थी तो मुस्लिम भाइयों के लिए हराम। इसीलिए इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो अंग्रेजों ने जहर भर दिया भाई हिंदू मुस्लिम के बीच। हम लोग तो बिल्कुल अल्लाह राम रहीम एक साथ मानते थे, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की जो नीति अपनाई ना, उसी का नतीजा है कि आज भारत और पाकिस्तान, ना तो भारत और पाकिस्तान, दो सुंदर आंखें थी भारत की, दो सुंदर आंखें थी हिंदू और मुसलमान, बिल्कुल दो सुंदर आंखें थी। ये तो इन्होंने जहर भर दिया था भाई, है ना। विद्रोह का केंद्र और संबंधित नेताओं के लिए गलत मिलान खोजें। क्या गलत है? दिल्ली जनरल बख्त खां, कानपुर नाना साहब, लखनऊ बेगम हजरत महल, बरेली कुंवर सिंह। सवाल नंबर 29 जरा बता दो क्या होगा जल्दी। क्या होगा? देखो आप लोग लगाओगे दिल्ली, भाई जनरल बख्त खां ये सेनापति बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर का सेनापति। बरेली कुंवर सिंह कहाँ की थे? ये जगदीशपुर आरा, जगदीशपुर आरा बिहार के थे, जगदीशपुर आरा बिहार के थे, बिल्कुल याद रखना ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, विद्रोह के केंद्र और संबंधित ब्रिटिश अधिकारी के लिए गलत मिलान खोजे, यानी कौन से ब्रिटिश सेनापति ने किस जगह पे विद्रोह को कंट्रोल किया था, दबाया था, जरा बताओ क्या होगा। बताओ क्या होगा जल्दी। दिल्ली जेम्स नील, ये गलत है। बाकी बात, कानपुर को व्हीलर ने दबाया था, लखनऊ को कैंपबेल ने दबाया था, झांसी को, जो चौथा ऑप्शन होगा, झांसी को सर हीरोज ने दबाया था, झांसी को सर हीरोज ने दबाया था, बिल्कुल याद रखना ठीक है। आगे देखो, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, गलत विकल्प चुनिए, गलत विकल्प चुनिए। पहला विकल्प कहता है कि विद्रोह की शुरुआत इनफील्ड राइफल का परिचय तत्कालिक कारण था। दूसरा, विद्रोह भारत के उत्तरी और मध्य भाग में फूट पड़ा। क्या होगा? केवल ए सही है, केवल बी सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 31 जल्दी, सवाल नंबर 31 क्या होगा जल्दी, क्या होगा बच्चे? कोई नहीं, गलत विकल्प चुने, कोई नहीं, सब गलत है। तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस, एनफील्ड राइफल नहीं, ब्राउन बेस राइफल, ब्राउन बेस राइफल। अरे बात समझ में, ब्राउन बेस राइफल, और विद्रोह भारत के मध्य और उत्तरी भाग में फूट पड़ा। बताओ क्या होगा, क्लियर है क्या होगा, है ना, क्या होगा बताओ जल्दी, सही है क्या? बोथ करेक्ट है। क्या करेक्ट है? बोथ करेक्ट है। क्यों? क्योंकि पहले ब्राउन बेस था, उसके जगह पर एनफील्ड राइफल आया, जिसको हमें चर्बी को मुंह से काटना था, पहला। दूसरा, उत्तरी और मध्य भाग में फूट पड़ा, बिल्कुल, क्योंकि साउथ इंडिया इससे अछूता था, साउथ इंडिया इससे अछूता था। क्लियर हो गया क्या सही है? क्लियर हो गया क्या सही है? ठीक है, बोथ करेक्ट है। क्या होगा? बोथ करेक्ट है, बिल्कुल याद रखना ठीक है, क्लियर है ना। अरे सही है, मैं कहां बोल रहा हूं सही नहीं है, सही तो है, पहले ब्राउन बेस राइफल था, इसके जगह पे ये लाया, सही तो है, मैं कहां कुछ बोल रहा हूं, दोनों सही है, क्या सही है, दोनों सही है, बिल्कुल याद रखना, है ना। आगे देखो,
1857 विद्रोह के बाद पहला वायसराय कौन बन गया? जल्दी, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कैनिंग, वारन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी। सवाल नंबर 32। गजेंद्र काहे रो रहे हो, सही तो है। जल्दी, क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय बने भारत की। लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय बने भारत की, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय बने 1858 के रिवोल्ट के बाद, 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद, एक्ट के बाद, है ना। तो टू बी कंटिन्यूड। अब की बारी किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अब की बारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, मिलते हैं। भागना नहीं, ऐसे भी तो बच्चे कम हो, भाग जाओगे, भागना नहीं, बिल्कुल, है ना। पता ना बच्चों को नजर लग गया, क्या हो गया। देखो, बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, यानी तो आपको याद होगा कि कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई थी। कांग्रेस की स्थापना 1857 के रिवोल्ट के बाद की गई थी, 1857 रिवोल्ट के बाद की गई थी, ठीक है। यानी कांग्रेस की स्थापना 1885 में थियोसॉफिकल सोसाइटी आंदोलन के भारतीय और ब्रिटिश सदस्यों द्वारा की गई, जिसमें स्कॉट्स एलन ऑक्टेवियन ह्यूम शामिल था, यानी ए ओ ह्यूम शामिल था। अभी आप देखोगे आज भी कांग्रेस से सवाल पूछा गया है, आज भी कांग्रेस से सवाल पूछा गया है, और कल भी कांग्रेस से सवाल पूछा गया। मतलब कांग्रेस से सवाल हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल याद रखना, हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल याद रखना, ठीक है भाई। आगे देखें तो एओ ह्यूम जो फाउंडर था एओ ह्यूम ने बॉम्बे में पहली बैठक का आयोजन करता है, किस वायसराय के मंजूरी के साथ? लॉर्ड डफरिन के मंजूरी के साथ। मतलब वायसराय डफरिन है, फाउंडर कौन है? एओ ह्यूम है। तो पहली बैठक आपको पता है कि पुणे में होना था, लेकिन प्लेग के प्रकोप के कारण पूना से हटा के कहाँ लाया गया? बम्बई लाया गया। कहाँ लाया गया? बम्बई लाया गया। मतलब एक चीज़ समझना कि बम्बई लाया गया, बम्बई में कहाँ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। तो पहला सत्र कब हुआ? पहला सत्र 28 से 31 दिसंबर 1885 को, कहाँ पर बच्चे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। कहाँ पे? मुंबई या बम्बई में। इसमें कितने प्रतिनिधि भाग लेते हैं? 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो तीन सम्मेलन तक बिल्कुल कांग्रेस अंग्रेजों का समर्थक रहा है, तीन सम्मेलन तक बिल्कुल समर्थक रहा है अंग्रेजों का। पहला 1885 में, दूसरा 1886 में, तीसरा 1887 से अब अंग्रेजों से मोहभंग होने लगा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है। तो ब्योमेश चंद्र बैनर्जी जो को फाउंडर थे, सह संस्थापक थे, क्या था? सह संस्थापक था। इन्होंने कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता की। आई बात समझ में? समझते चलना कि अब कई बार पूछा जाता है सह संस्थापक, तो आप समझ ले तो गलत। जब सह संस्थापक रहेगा तो ब्योमेश चंद्र बनर्जी के साथ जाना, और अगर केवल संस्थापक रहता है तो आप एओ ह्यूम के साथ जाना, एओ ह्यूम के साथ जाना। क्लियर है? क्लियर यहां तक? क्लियर है भाई?
है ना। आ जाओ आगे। अब यहां से आते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस, फिर से मैं आपको रिवीजन करा दूं। सेकेंड सेशन कहां होता है बच्चे? 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी। क्या सवाल निकलेगा? पहला, फर्स्ट पार्शियन चेयरमैन, फर्स्ट पारसी चेयरमैन, है ना, फर्स्ट पारसी चेयरमैन, पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? पहले पारसी अध्यक्ष की बात करें, कौन थे पहले पारसी अध्यक्ष? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, याद रखना, ठीक है। पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। इसके बाद समझना कि दादा भाई नौरोजी ने तीन बार अध्यक्षता की है, याद रखना। कितने बार? तीन बार अध्यक्षता की है ना, तीन बार अध्यक्षता की है, ठीक है भाई। आगे देखो, थर्ड सेशन की बात करें, तृतीय अधिवेशन की बात करें, तो तृतीय अधिवेशन कब हुआ? अब ये देखो, 1887 में। कहां पर हुआ? मद्रास में होता है। कहां होता है? मद्रास में होता है। और अध्यक्ष कौन है बच्चे? बदरुद्दीन तैयब जी। इंपॉर्टेंट क्या है? कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। कौन है? कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं 1887 में मद्रास में। क्लियर है? समझते जा रहे हो ना? हाँ, समझते चलना, फिर दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा ऐसा रिवीजन करने का। एक साथ पूरा मॉडर्न इंडिया, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। आगे देखो, फोर्थ सेशन की बात करें 1888 में, ये कहाँ? अलाहाबाद में। यानी पहली बार, फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, यूपी में पहली बार। कब? अलाहाबाद प्रयागराज में। जॉर्ज यूल अध्यक्षता किसने की? तो जॉर्ज यूल ने अध्यक्षता की। इंपॉर्टेंस क्या है? पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। क्या है? पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बनते हैं? जॉर्ज यूल बनते हैं। कौन बनते हैं बच्चे? जॉर्ज यूल बनते हैं, ठीक है। आगे देखो, 1890 कलकत्ता में अध्यक्ष कौन है? फिरोज शाह मेहता है। ये कई बार स्टेट वाले एग्जाम में पूछा है कि भैया ये बता दो कि पहली स्नातक महिला कौन है? कादम्बनी गांगुली है। पहली स्नातक महिला कौन है? कादम्बनी गांगुली हैं। और कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक जो इस सत्र में, इस सेशन में पार्टिसिपेट करती हैं 1890 ईस्वी में। आप हमसे गुस्सा नहीं ना होती हो? ना मोहम्मद इम्तियाज जी, मैं कभी गुस्सा नहीं होती हूँ आपसे, है ना। उधर से जवाब आ जाएगा, परेशान ना हो, पढ़ाई कर लो, ठीक है। अरे बस समझ में। तो ये कह सकते हो कि इस सत्र में जब कादम्बनी गांगुली ने संबोधित किया, यानी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया अच्छे तरीके से, जबरदस्त तरीके से, है ना। 1896, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी बार रिपीटेड सवाल है ये। तो स्थान क्या है? कलकत्ता है। रहमतुल्ला सयानी है, यानी सेकेंड मुस्लिम चेयरमैन कौन था? रहमतुल्ला सयानी था। क्या हो गया? क्यों हंसी आ रही है? ठीक है, तो सेकेंड मुस्लिम चेयरमैन कौन है? रहमतुल्ला सयानी है। इंपॉर्टेंट क्या है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, जो आनंद मठ में लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, जिसमें सन्यासी विद्रोह की चर्चा की गई है। क्लियर है? कहां से उठाया गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई, आनंद मठ से उठाया गया, जिसमें सन्यासी विद्रोह की चर्चा की गई है, है ना। सन्यासी विद्रोह की चर्चा की गई है। आगे देखो, 1901 की बात करते हैं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलकत्ता में अध्यक्षता किसने किया? आपके पास ऑप्शन आएगा दिनसा वाचा के नाम से
इम्पॉर्टेंट यही है बच्चे, आपको याद होगा कि 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी वापस आते हैं, तब सर 1901 में ये कैसे पार्टिसिपेट कर लिए? कई लोगों के जवाब होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं। गांधी जी 1901 में दक्षिण अफ्रीका से 6 महीने के लिए वापस आते हैं और ये ठहरते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के पास, और गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ये पार्टिसिपेट करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1901 में। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी जरा बता दो, क्यों ये शामिल होते हैं, कैसे शामिल होते हैं, इस बात को लेकर कोई संशय है क्या? इस बात को लेकर संशय तो नहीं है कि सर ये कैसे वापस आए? ये 6 महीने के लिए वापस आते हैं और ये शामिल होते हैं। तो अगर सवाल आता है कि गांधी जी पहली बार कांग्रेस सम्मेलन में भाग लिए, आप 1924 नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? 1901 कहेंगे। क्या कहेंगे? 1901 कहेंगे, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। आगे देखो 1905, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, और इसी वर्ष 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्षता करते हैं, जो गांधी जी के पॉलिटिकल टीचर हैं, जिन्होंने गांधी जी के पॉलिटिकल टीचर हैं। अरे बातें समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना? तो गांधी जी के पॉलिटिकल टीचर गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बनारस में अधिवेशन किया, ठीक है भाई। आगे आ जाओ 1907 की बात करें, सूरत, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि कांग्रेस पहली बार 2 भागों में विभाजित हो जाती है, किसमें? गरम दल और नरम दल में। गरम दल और नरम दल में अगर मैं बात करूं गरम दल नरम दल की, तो समझना कि गरम दल को लीड कौन किया? लाल बाल पाल। और नरम दल को कौन लीड किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, कई सारे नेता थे, इन्होंने लीड किया, है ना? एक आप जोड़ना चाहूंगा मैं यहाँ, 1906 का अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, अध्यक्षता किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज का नारा दिया, स्वराज शब्द को यूज किया था 1906 में, याद रखना, क्लियर है? अरे बातें समझ में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 1911, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी बार पूछ रहा है, आप सोच नहीं सकते हो, रेलवे रिपीटेड, कई बार रिपीट कर रहा है। कलकत्ता में अधिवेशन होता है, अध्यक्षता किसने किया? बिशन नारायण धर ने किया। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे, कि पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया, जो आर एन टैगोर ने लिखा, जिसे हम 52 सेकंड में गा सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर है भाई यहां तक, ठीक है। बनारस 1905 में कांग्रेस पास, भाई विकास पूरा क्वेश्चन आप वीडियो के नीचे टाइप कर देना, तभी मैं समझा पाऊंगा, ठीक है। 1916, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लखनऊ अधिवेशन। ये इंपॉर्टेंट क्या है समझना, अंबिका चरण मजुमदार अध्यक्षता करती है, ये करते हैं अध्यक्षता, और ये किसके मदद से बुलाए गए? एनी बेसेंट के मदद से बुलाया गया। तो एनी बेसेंट के मदद से बुलाया गया, और एनी बेसेंट ने क्या किया कि कांग्रेस का विलय करवा दिया। मतलब क्या है? नरम दल गरम दल फिर आके मिल गए। और याद रखना कि मुस्लिम लीग के साथ समझौता, और गांधी जी ने भी भाग लिया, और यहीं पर गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं कांग्रेस के अधिवेशन में, जहां पर मिलते हैं राजकुमार शुक्ला। कौन मिलते हैं बच्चे? राजकुमार शुक्ला मिलते हैं,
राजकुमार शुक्ला मिलते हैं, जो कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए चंपारण और देखिए वहाँ पर कितने ज्यादा किसान त्रस्त हैं अंग्रेजों से, किसान त्रस्त हैं अंग्रेजों से, ठीक है। अरे बस समझ में आगे देखो, 1917 कलकत्ता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि इस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ठीक है, आई बात समझ में, यानी अध्यक्ष एनी बेसेंट है, अध्यक्ष एनी बेसेंट है, बिल्कुल याद रखना, अध्यक्ष एनी बेसेंट है, कौन है, ठीक है भाई। आगे देखो 1924, ये इंपॉर्टेंट रखना, बेलगांव में, बेलगांव कहाँ, कर्नाटक में, बेलगांव कहाँ, कर्नाटक में, और अध्यक्ष गांधी जी बनते हैं अपने लाइफ में वंस टाइम, केवल एक बार अध्यक्षता करते हैं, एक बार अध्यक्षता करते हैं। तो सर इंपॉर्टेंट क्या है, कि पहला इंपॉर्टेंट, दूसरा ये जोर देते हैं हिंदी पे, जोर देते हैं हिंदी पे, किस पे जोर देते हैं, हिंदी पे जोर देते हैं, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। अरे बस समझ में, हिंदी पे जोर देते हैं ना। आगे देखो 1925 कानपुर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरोजिनी नायडू है बच्ची, और ये पहली भारतीय महिला थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, बिल्कुल याद रखना, है ना। ठीक है भाई, क्लियर आ रहा है समझ में। हाँ अल्बानिया की थी वो इनिबेसेंट, नहीं आयरलैंड की थी भैया, अल्बानिया की नहीं, अल्बानिया की मदर टेरेसा थी, आयरलैंड की थी, उल्टा पुल्टा ना बताओ, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट 1929 लाहौर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप खुद बताओ कि रेलवे 1929 को कितनी बार पूछ रहा है, कितनी बार पूछा है, आप सोच नहीं सकते हो, रेलवे इतनी बार रिपीट कर दिया इसे। तो 1929 स्थान लाहौर, रावी नदी के किनारे, लाहौर कहाँ है, रावी नदी के किनारे है, अध्यक्ष कौन बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं। इंपॉर्टेंस क्या था बच्चे, तो पहला इंपॉर्टेंस है पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। तो 26 जनवरी क्या, 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई, पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई, क्या की गई, पूर्ण स्वराज की मांग करने का निर्णय लिया गया। क्लियर है भाई, क्लियर है, आ रही बातें समझ में। कोलकाता में क्यों होता था ज्यादा बताओ, बिल्कुल बताएंगे, कोलकाता में आंदोलन ज्यादा होता था, कोलकाता में ज्यादा आंदोलन, अब दिल्ली में सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन क्यों होता है बताओ, पहले आप दिल्ली में धरना प्रदर्शन क्यों होता है, इसलिए होता है सरकार यहाँ है, हमारी बातें सुनी जाएंगी। तो वहां पर 1911 के पहले आपको याद है 1911 में के पहले राजधानी कलकत्ता थी, तो ज्यादा धरना प्रदर्शन जो भी आंदोलन कहाँ होगा, कलकत्ता में तो होगा, है ना, याद रखना बिल्कुल। 1938, लेकिन उसके पहले 1931 देख लो, जो कराची में हुआ था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं, सरदार वल्लभ, वल्लभ भाई जो लिखो, वल्लभ भाई पटेल करते हैं और डिमांड करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकार की मांग की जाती है, है ना। आई बात समझ में, क्लियर है ना। 1938 में बच्चे हरिपुरा गुजरात, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, ये तो ठीक है सर्वसम्मति से बन जाते हैं, लेकिन दूसरी बार जो होता है ये बहुत बड़ी बात है। 1939 में यहां पे पटाभी सीतारामैया, पटाभी सीता रमैया, ये कांग्रेस के कैंडिडेट होते हैं, गांधी जी की तरफ से खड़े होते हैं, लेकिन चुनाव जब होता है तो सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, और जब सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि
ये पटावे सीतारामैया की हार नहीं, ये गांधी जी की हार है। तब जाकर सुभाष चंद्र बोस क्षुब्ध हो जाते हैं, बोले ठीक है गांधी जी, अगर आप सोचते हैं कि मेरी हार है तो मैं इस्तीफा देता हूँ, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, मुझे नहीं चाहिए। तो भाई जब अध्यक्ष हट गया, ये तो हारे हुए हैं, कौन संभालेगा? तब राज आ जाता है ना, जब कहता है जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, तब राज आ जाता है, मतलब राजेंद्र प्रसाद बच्चे, राज मतलब राजेंद्र प्रसाद। तब जाकर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता संभालते हैं, याद रहेगा ठीक है, याद रहेगा ठीक ना। चलो आगे देखो, अब 1946-47 की बात करें मेरठ, लेकिन उसके पहले 1940 देख लो रामगढ़, 1940 रामगढ़ जो झारखंड में है, कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन भाई? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम, अबुल कलाम आजाद। एक सवाल आता है, सबसे ज्यादा दिनों तक कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की आजादी के पहले? तो ये करते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। लगातार 40 के बाद चुनाव होता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाता है, सब युद्ध में व्यस्त हो जाते हैं, है ना। तो याद रखना ये मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1946-47 की बात करें, आपको याद होगा कि मेरठ में 1946 में चुनाव होगा और जैविक कृपलानी बनेंगे। तो सर 47 क्यों लिखा है? क्योंकि 47 में चुनाव नहीं होता है और अध्यक्षता यही करते हैं। क्लियर है क्या? समझ में आ गया है ना। अब आते हैं इंपॉर्टेंट सेशन से कुछ एमसीक्यू, जो आप कई बार पढ़ चुके हो, उम्मीद करेंगे रैपिड फायर के रूप में देखें, समझ लें, है ना। अच्छा, मदन मोहन मालवीय ने कब किया? 1909 में मदन मोहन मालवीय ने की थी, है ना। अच्छा सॉरी, नेहरू ने की थी 1909 में, मदन मोहन मालवीय ने की थी, जरा बताना, मदन मोहन मालवीय 1909 में, याद रखना ठीक है। आ जाओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? एओजूम, बदुद्दीन तैयब जी, जे बी कृपलानी, डब्ल्यू सी बनर्जी। सवाल नंबर एक बता तो दिया जाए, 1909 में, 1909 लाहौर, है ना। पहला जवाब क्या होगा आपका? डब्ल्यू सी बनर्जी। किसकी अध्यक्षता में? डब्ल्यू सी बनर्जी, ये फाउंडर थे, ये फाउंडर थे, संस्थापक थे, ये कौन थे? संस्थापक थे, याद रखना। कौन थे बच्चे? फाउंडर थे, संस्थापक थे, बिल्कुल याद रखना, है ना। आगे देखो, किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की? आ जाइए, ये तो सवाल पूछ रहे थे आप, ये तो आप सवाल पूछे थे ना, ये तो सवाल पूछे थे आप। आ जाओ, मदन मोहन मालवीय, गजेंद्र ये तो पूछा, 1905 में जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। अभी तो मैंने बताया इसको, कांग्रेस के पहले सत्र के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? कर्जन, डफरिन, मेयो, मिंटो। सवाल नंबर तीन, जल्दी, कौन था बच्चे? लॉर्ड डफरिन। पहले सत्र की बात करता है, यानी 1885 की बात कर रहा है, यानी 28 दिसंबर 1885 की बात कर रहा है, यानी बम्बई की बात कर रहा है, यानी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज की बात कर रहा है ना, ठीक ना भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में नरमपंथी और गरमपंथियों में विभाजन हुआ? तो नरमपंथी और गरमपंथी सूरत, लखनऊ, बॉम्बे, इलाहाबाद, क्या होगा? देखो, आप लोगों ने बहुत गदर मचाया बफरिंग का, बहुत गदर मचाया यार शुरुआत में, हमें भी लगा कि आज मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा आप लोगों को। तो क्या होगा बच्चे? 1907 में तलाक होता है और फिर से 1916 में पैचअप हो जाता है, मतलब पति पत्नी के रूप में रूठे 1907 में और फिर 1916 में आकर फिर से एक हो गए। तो नरमपंथी और गरमपंथी में अंतर क्या है? कि जो नरमपंथी थे वो नरम थे, नरम मतलब दिल से भी नरम, कि भाई वेट एंड वॉच, हम हमारी मांगे पूरी करो आप एप्लीकेशन के जरिए जैसे करना है। लेकिन गरमपंथी कहते हैं भैया कुछ नहीं, धमाका कर दो, बिल्कुल
कान फोड़ दो, कान फाड़ दो, बिल्कुल धमाका करो, हमारी बात नहीं सुनोगे तो बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। अंतर यही था, ठीक है। तो 1907 में रास बिहारी घोष, ठीक है। सिराज गोपालाचार्य ने सी आर दास 1922 गया, ठीक है स्वीटी जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज जूल, विलियम वेडरबर्न, एओ हूम, लॉर्ड डफरिन। सवाल नंबर 5, जल्दी बताओ क्या होगा। हाँ, घोष, बोस नहीं। कौन? घोष, बोस नहीं, याद रखना। तो क्या होगा? जॉर्ज ह्यूल। कब बच्चे? इलाहाबाद में। और ये दूसरे अंग्रेज थे विलियम वेडरबर्न। दूसरे अंग्रेज कौन थे? विलियम वेडरबर्न थे, ठीक है, याद रखना। जॉर्ज ह्यूल, विलियम वेडरबर्न, ठीक है बच्चे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया? ये इतनी बार सवाल पूछा ना, रेलवे भी परेशान हो गया और बच्चे भी परेशान हो गए, कह रहे हटाओ यार, एक ही सवाल कितनी बार पूछते हो। मैंने भी इतनी जल्दी में क्या बोल दिया मुझे भी नहीं पता, मतलब एक ही सवाल बार बार रिपीट क्यों करते हो यार, मतलब हद कर दिया रेलवे ने इस सवाल को लेकर। आपको याद होगा ना 1888 में, बहुत बढ़िया भैया। आगे देखो तो बच्चे, लाहौर में रावी नदी के किनारे जेल नेहरू की अध्यक्षता में, बिल्कुल याद रखना है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था? जल्दी क्या होगा? जल्दी क्या होगा भाई? देखो आराम से समझना ये सवाल, मतलब जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक कॉम्पिटिशन एग्जाम रहेगा, तब तक ये सवाल आपके बनते रहेंगे, पूछे जाएंगे, ये याद रख लो। आप भी पढ़ोगे, आपके पिताजी ने भी पढ़ा है, आपके बेटा भी पढ़ेगा, आपका बच्चा भी पढ़ेगा। ये ऐसे सवाल हैं, यूनिवर्सल हैं, क्यों? क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमारे भारतीय सभ्यता पे, भारतीय संस्कृति पे, भारतीय इतिहास पे बहुत पड़ता है। क्योंकि हमने क्या किया, हमने इसे अपना लिया ना, हमने इसे अपना लिया राष्ट्रीय गीत को, वंदे मातरम को। तो कलकत्ता सत्र 1896, रहमतुल्ला सयानी जो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे याद रखना, है ना। आगे देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सत्र में जनगणमन सबसे पहले गाया गया, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बद्रुद्दीन तैयब जी, रहमतुल्ला सयानी, रास बिहारी घोष, पंडित बिसा नारायण धर। जल्दी जल्दी बता दो क्या होगा। सवाल नंबर 8, बेटा मेरे से ही पढ़वाओगे तो मेरे दांत बिल्कुल टूटे रहेंगे और मैं बोलूंगा बउआ समझ लो, आवाज बिल्कुल यहां निकलेगी मेरी, मैं क्या बोलूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, लिख के पढ़ा दूंगा आपको, लिख के बता दूंगा, है ना। देखो मजा ले रहे हो बिल्कुल, पंडित बिसा नारायण धर, है ना बच्चे। तो कब की बात करता है ये, 1911 में, मजे ले रहे हो बिल्कुल, पंडित बिसा नारायण धर, है ना, पंडित बिसा नारायण धर, बिल्कुल याद रखना। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। क्यों हो गया, क्यों हंसी आ रही है? बहुत हंस रहे हो बिल्कुल, बहुत हंसी आ रही है आज, क्या बात है। देखो आनंद क्यों हंसी आ रही है, देखो देखो गौरव, साई कुमार, क्यों हंस रहे हो भाई, बहुत हंसी आ रही है आज, बताओ क्या होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे स्वतंत्रता के बाद? जल्दी कौन थे बच्चे? प्रतापे सीतारमैया। कब की बात करता है ना, स्वतंत्रता के बाद जयपुर में, जयपुर में कब हुआ था? 1948 में हुआ था मेरे लाल, है ना मेरे लाल, कब हुआ था? 1948 में हुआ था, प्रतापे सीतारमैया, ठीक है, याद रहेगा। आगे देखो, अब देखो समझना, ये भी पढ़ चुके कई बार यार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र के अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी करते हैं, चलो ठीक है भाई। 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। एओ ह्यूम कांग्रेस के पहले सत्र का आयोजन किया, बता दो क्या होगा। ए बी ए एंड सी, ऑल ऑफ दी। सवाल नंबर 10, जल्दी
सवाल नंबर 10 बताओ क्या होगा, क्या होगा बच्चे? ऑल ऑफ दिस सारा सही होगा यार, सारा सही होगा, कुछ सही ना, बिल्कुल सारा सही है। क्यों? एओसीएम फाउंडर डब्ल्यू सी बनर्जी अध्यक्ष, 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं, बम्बई में अधिवेशन होता है, ये तो है। डफरिन वायसराय है, डफरिन कौन है? वायसराय है, है ना। आगे देखो, 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। सवाल नंबर 11, और याद रखना कल सुबह 8:15 पे, 8:15 पे वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे, यूपी जीके, और फिर कल सुबह 9 बजे यहीं पे क्लास होगी, याद रखना ये, ठीक है। तो कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? बालकृष्ण गोखले ने की। किसने की? बालकृष्ण गोखले ने की, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। आगे देखो, कांग्रेस की सबसे लंबी सेवा करने वाली महिला अध्यक्ष कौन है? जल्दी कौन है? तो इंदिरा बेसेंट, सरोजिनी नायडू, अरे सोनिया गांधी अभी सबसे लंबे समय तक अभी भी अध्यक्ष हैं, याद रखना। एनी बेसेंट कब? तो एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन। सरोजिनी नायडू कब? 1925 कानपुर अधिवेशन, है ना। तो ये देखो 2004 से 2014 तक बनी रही, बिल्कुल 2017 में भी बनी रही, 2019 में भी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। आगे देखो, जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, पटाभे सीतारमैया, लॉर्ड माउंटबेटन। सवाल नंबर 13, जल्दी। नमस्कार भाई, नमस्कार प्रदीप कुमार जी, बिल्कुल नमस्कार 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 चंदन जी, भैया पढ़ लो। जेबी कृपलानी, जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। अभी मैं पढ़ा रहा था शाम को, तो एक बच्चा ने कमेंट किया कि सर मेरे पिताजी कह रहे हैं शादी कर लो। हम बोले यार इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा बताओ, जब आपके पिताजी कह रहे हैं शादी कर लो यार, ऐसे बात पापा जी को अपने सर तो बता देना कि जो लड़की आएगी, हमारी पत्नी आएगी, आपकी बहू आएगी, उसका खर्च, टिकुली, सिंदूर, काजर, बिंदी, चूड़ी, सबका खर्च दे दो। हाँ सबका खर्च दे दो, वो जाएगी जब ब्यूटी पार्लर, ओकरो खर्च ले लो, सबका खर्च ले लो, फिर कर लो ब्याह, इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा बताओ। हाँ यार घर वाले जब नहीं समझ रहे क्या कह सकते हो, ऐसे हाल है। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो समूह में विभाजित हुई, क्रांतिकारी और उदारवादी के रूप में? सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्र बिहारी घोष, बाल गंगाधर तिलक। सवाल नंबर 14, जल्दी। जल्दी बताओ क्या होगा। हाँ तो और क्या कहें बताओ, राष्ट्र बिहारी घोष, क्या होगा बच्चे? राष्ट्र बिहारी घोष, ठीक है, याद आया? राष्ट्र बिहारी घोष, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। आगे देखो, स्वतंत्र भारत के कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, समझना, तो स्वतंत्र भारत में कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जेबी कृपलानी। क्यों? क्योंकि 1946 में ये मेरठ में चुने जाते हैं, और 1947 में जब चुनाव ना होगा तो अध्यक्ष तो यही रहेंगे, ठीक है। आगे देखो, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि जब तक मैं भारत में हूं, कांग्रेस की मरने में, समाप्त करने में मदद करूं, क्या होगा? हैमिल्टन, कर्जन, डफरिन, मिंटो। सवाल नंबर 16, जल्दी। अरे इंदिरा गांधी को नोबेल के इसलिए, कहाँ इंदिरा गांधी को नोबेल, अरे यार कहाँ इंदिरा गांधी को नोबेल मिला था भाई, मारो मुझे, धन्य हो गया हूँ मैं आज ऐसे ऐसे सवाल को देखकर कि इंदिरा गांधी को नोबेल मिला था। भाई मैंने आज तक ना पढ़ा इंदिरा गांधी को नोबेल मिला था, अगर आपने पढ़ा है तो जरा मुझे बता देना किस ईयर में मिला था, है ना। आगे, लॉर्ड कर्जन क्यों? 1905 में जब
बंगाल का विभाजन होता है, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल का ढाका, वेस्ट बंगाल का कलकत्ता, तब ये बहुत परेशान था बेचारा, बहुत परेशान रहा। बोला मैं बिल्कुल परेशान हूँ, कांग्रेस को समाप्त करने में, कांग्रेस को समाप्त करने में बिल्कुल मेरी मदद हो, मतलब ऊपर वाले हे भगवान ये ईसा मसीह बिल्कुल मदद करो, कांग्रेस को नष्ट कर दो यार, मैं बहुत परेशान हूँ। ये बच्चा बंदा मतलब इतना रोया गिलाया, ये हाल था इसकी, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ये बिल्कुल आसान सवाल है बेटा। तो इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिलता है, भारत रत्न, भारत रत्न मिलता है। क्यों मिला भाई, मिलने भी चाहिए। पाकिस्तान जो पूर्वी पाकिस्तान था, फड़फड़ फड़फड़ फड़फड़ा रहा था, काट के अलग कर दिया जाओ, बांग्लादेश बन गया, बहुत पाकिस्तान उड़ रहा था, शांत हो गया, है ना। तो सिविल सर्वेंट था, असैनिक सेवक थे, है ना। सिविल सर्वेंट था मतलब सिविल सर्विसेज में था ये, कौन, एओ ह्यूम, एओ ह्यूम, एओ ह्यूम, ठीक है, एओ ह्यूम, बिल्कुल याद रखना, ठीक है भाई। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, न्यायमूर्ति रानाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18, जल्दी। क्या होगा बच्चे, देखो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो शामिल नहीं थे, इसकी चर्चा करेंगे आगे, हैव अ पेशेंस, बर्दाश्त करना। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी, लंदन में करते हैं, ग्लासगो में, एबरडीन में, या बॉम्बे में। सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19 क्या होगा, जल्दी। राहुल कहाँ थे इतना देर, आंखें पथरा गई आपके इंतजार करते करते, बताओ, यही यही प्यार, यही धोखा, यही प्यार, इतना देर कहाँ थे आप लोग, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ बिल्कुल कि अब आओगे, अब आओगे, गाना नहीं सुने हो, कब आओगे। लंदन में, कहाँ पे, लंदन में, है ना। अब देखो क्यों सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म से पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी, मद्रास महाजन, इंडियन एसोसिएशन, कांग्रेस एसोसिएशन, या इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 20 बता, सवाल नंबर 20, जल्दी बताओ क्या होगा, क्या होगा। इंडियन एसोसिएशन, ये याद करना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडियन एसोसिएशन का फाउंडर कौन था। तो इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर की बात करें तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस हैं। कौन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस हैं, ठीक है, याद रहेगा। आगे देखो नेक्स्ट, इंडियन एसोसिएशन जो है जिसके फाउंडर सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस हैं, कांग्रेस में कब विलय हो गया, 85, 86, 92, 95। सवाल नंबर 21, जल्दी। कब हो गया भाई, 1886 में। खुद सोचो 1885 में INC की स्थापना की जाती है, तो ये तो शामिल होंगे नहीं, 1886 में आके मिल जाते हैं, 1886 में आके मिल जाते हैं, 1886 में आके मिल जाते हैं, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। 1876, अरे स्वीटी जी 1876 कैसे लगा दिया, 1885 में तो कांग्रेस बन भी करा है, तो क्या करोगे, 9 साल पहले बना दोगे क्या आप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, बिल्कुल आसान सवाल, 72, 74, 82 और 92। बिल्कुल आसान सवाल क्या होगा भैया, इसका 72 होगा, बिल्कुल 72, क्या होगा, 72 होगा, है ना। आगे देखो नेक्स्ट, कहता है निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस विरोधी थे, सैयद अहमद खान, बनारस के राजा शिवप्रसाद, हैदराबाद के नवाब, या दिनसा मनकजी पेटिड। सवाल नंबर क्या होगा, सवाल नंबर 23, जल्दी। तो क्या होगा, देखो 1, 2, 3, 4, बाकी सब फरार, बाकी सब फरार, मतलब सब विरोधी थे कांग्रेस के, अरे राम, सब विरोधी थे कांग्रेस के, सोचो जितने नेता दिख रहे हो सब के सब विरोधी थे, है ना। निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस केवल एक विशिष्ट वर्ग, मतलब कुछ लोगों का समूह है ये, कुछ लोगों के बारे में बात करती है, नेपियर, डफरिन, रिपन, लिटन। सवाल नंबर 24, सवाल नंबर 24, जल्दी। लॉर्ड डफरिन, किस
जिसने कहा अड्डा फ्रेंड, ये भी तरस्त हो गया था बेचारा, बना तो दिया, आधे अधकचरे मन से बनाया होगा, आधे अधूरे मन से बनाया होगा। मैंने क्या कहा कि तीसरे सम्मेलन तक किसी तरह से बर्दाश्त हुआ, चौथे सम्मेलन से भारतीयों ने रंग दिखाना शुरू कर दिया, परेशान हो गया, बोला कुछ ना होगा, मात्र 400-500 आदमी हैं, का कर लेगा कांग्रेस, बिल्कुल तनिसन तो है ये हैं, यही तनिसन तो तहलका मचा दिया, बिल्कुल धीरे धीरे मिलते चले गए, है ना, बिल्कुल याद रखना बच्चे। आगे देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के बेलगाम सत्र के अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपालगंज गोखले, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 25 जल्दी। कौन है? गांधी जी। कौन है? गांधी जी, है ना, कौन है भाई? गांधी जी, बिल्कुल याद रखना। भागना नहीं। अभी देखो हमने क्या देखा, हमने ये पढ़ाया। अब बचा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और गांधी युग। भागना नहीं, हैव अ पेशेंस। हाँ तब तो आपसे बतिया लें, और बताओ क्या चल रहा है आपके लाइफ में, कहा बताएं भाई, बहुत परेशान है, क्यों नौकरी ना लग रहा है, घर वाले अलग बोल रहे हैं शादी कर लो, और पड़ोसी तो और परेशान है। कोई दिक्कत नहीं है, इस बार रेलवे का नौकरी बिल्कुल हो ही जाएगा, सीबीटी वन तो हो ही गया है, बस सीबीटी वन बढ़िया से हो जाए, इसके बाद सीबीटी टू बिल्कुल निकल जाएगा, है ना, ऐसे ही तो बात होता है, ऐसे ही बात होता है दोस्तों के बीच, ऐसे ही आप भी बात करते होंगे, हम लोग भी अपने समय बात करते थे, अरे यार क्या बताएं, बहुत परेशान है, बिल्कुल पढ़ते हैं, पढ़ने समय मन नहीं लगता है, कहे मन नहीं लगता है, क्या करें, बड़ा ध्यान आता है, किसका ध्यान आता है समझ ही रहे हो, लेकिन बिल्कुल वो गलती मत करना, ना तो सारा कुछ चला जाएगा सीबीटी वन में और सीबीटी टू बिल्कुल, क्योंकि अभी परीक्षा है, बिल्कुल है ना, याद रखना बिल्कुल। अब आ जाओ ये वाली सेशन में क्या है, आ जाओ देखो, आ जाओ, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र सत्र जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, अभी मैंने पढ़ाया, जब बताओ, मच्छर काट रहा है, ओहो देखो एक बच्चे ने कहा मच्छर काट रहा, समझना, एक बहुत मस्त शायर सुनाते हैं, बहुत मस्त शायरी सुनना, मच्छर ने काटा वो उसका जुनून था, मच्छर ने काटा ये उसका जुनून था, आपने खुजाया ये आपका सुकून था, आपने खुजाया ये आपका सुकून था, लेकिन पता है आपने मच्छर को क्यों नहीं मारा, आपने मच्छर को इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसमें आपका खून था, इसीलिए मच्छर को आपने नहीं मारा, है ना, मजा आया तो जरा लाइक ठोक देना। तो अभी बताया मैंने कि महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की बेलगाम में, बच्चे ये कहाँ, कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में है जहाँ पर हिंदी पर जोर दिया गया था, जहाँ हिंदी पर जोर दिया गया था, है ना। आगे देखो नेक्स्ट, महात्मा गांधी की टिप्पणी एक ढहते बैंक के पोस्ट डेटेड चेक के प्रस्तावों के बारे में है, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेबेल योजना। सवाल नंबर दो जल्दी बताओ क्या होगा, क्या हो गया, मजा आ गया, चलो। तो बच्चे क्रिप्स मिशन को जब मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन जब आया था, तब गांधी जी टिप्पणी करते हैं पोस्ट डेटेड चेक, क्या कहते हैं, पोस्ट डेटेड चेक, किसे कहते हैं, क्रिप्स मिशन को। अब ये सारा ये देख लो कब क्या आया था, साइमन कमीशन 1927 में बनता है, 28 में भारत आता है, कैबिनेट मिशन की बात करते हैं 1946 है, क्लियर है ना। कौन सा नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था, एम ए अंसारी, एम ए जिन्ना, अब्दुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान। सवाल नंबर तीन जल्दी। तो क्या होगा बच्चे, एम ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना कभी भी असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं रहा है, बिल्कुल याद रखना, है ना। तो असहयोग आंदोलन बच्चे कब, 1920 से 22,
1 अगस्त 1920 को शुरू होता है क्योंकि तिलक की मृत्यु हो जाती है इसी दिन। तो कौन करते हैं? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे आते तो हैं लेकिन कभी भी समर्थन नहीं करते। याद रखना, ओहो काट दो भाई, गलती है मोहम्मद अली जिन्ना नहीं होगा, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं होगा, बिल्कुल याद रखना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना कभी नहीं होगा, है ना, माय मिस्टेक। तो एनी बेसन जैसे महात्मा गांधी सपोर्ट किया था और भारतीय राष्ट्रवादियों की युवा पीढ़ी रोमांचित थी और गांधी जी का समर्थन किया, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट, कांग्रेस पार्टी को कौन सपोर्ट करते हैं ये आपके सामने है, कौन सपोर्ट करते हैं ये आपके सामने है, अबुल कलाम आजाद, मुख्तार अहमद अंसारी, हकीम अजमल खान, अब्बास तैयब जी, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, याद रखना बिल्कुल। शौकत अली क्यों? क्योंकि ये दोनों ने खिलाफत आंदोलन को आगे बढ़ाया था और खिलाफत आंदोलन और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोनों आकर मिल गया था, बिल्कुल याद रखना, ठीक है भाई, ठीक है। आगे देखो, गांधी जी के उद्देश्य से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन जो था वो किसके लिए था, जल्दी क्या हो गया भैया इसको, क्या हो गया ये? तो गांधी जी के उद्देश्य से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का जो आंदोलन था क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके, बिल्कुल याद रखना, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके, है ना। हाँ राजेश जी डेली होते लेकिन वो स्टूडियो चैनल पे होते, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। आगे देखो, किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संदर्भित किया? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, सवाल नंबर पांच, जल्दी। तो क्या होगा ये? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में थे ये तब जाकर ये राष्ट्रपिता कहते हैं गांधी जी को, ठीक है, बिल्कुल याद रखना। आगे देखो, नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संदर्भित किया जब 1954 में सिंगापुर में एक रेडियो में भारत के लोगों को संबोधित कर रहे थे, ठीक है। आगे देखो, गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? माउंटबेटन, हेस्टिंग्स, विंस्टन चर्चिल, जिन्ना, सवाल नंबर सिक्स, जल्दी। तो गांधी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल कहते हैं, कब की बात है पता है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हो रहा था तब, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था तब, ठीक है, याद रहेगा। आगे देखो, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, गांधी अरविंद पैक्ट या क्रिप्स मिशन, सवाल नंबर सात, जल्दी। अरे यार दुखी इंसान, किस चैप्टर से रिवीजन करें? ये रिवीजन तो हो रहा है ना, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री रिवीजन करा रहे हैं फिर भी परेशान, हैरान परेशान दुखी इंसान। भाई पढ़ लो, कैबिनेट मिशन 1946 में, है ना, कैबिनेट मिशन 1946 में, क्लियर है कि कितने सदस्य थे जरा बताना? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, 3 लोग थे, याद रखना, कितने लोग थे? 3 लोग थे, याद रखना, है ना। नवंबर 1921 में भारत आने पर हड़ताल के साथ निम्नलिखित में से किसे बधाई दी गई? प्रिंस ऑफ वेल्स, एलिजाबेथ सेकेंड, एडवर्ड 8 या साइमन कमीशन, सवाल नंबर 8, जल्दी बताओ क्या होगा, है ना। देखो समझना, साइमन कमीशन मत करना, नवंबर 1921 की बात करता है, साइमन कमीशन लगाओगे गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन की स्थापना या बनाव 1927 में होता है और ये 3 फरवरी 1928 को भारत आते हैं,
भारत आते हैं, जिसे हम व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं। सात लोग हैं, सातों अंग्रेज हैं, सातों अंग्रेज हैं, बिल्कुल याद रखना। क्या होगा? कौन सा दिन यूएनओ द्वारा अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है? 2 अक्टूबर 2003, 2 अक्टूबर 2007, 2 अक्टूबर 2006, 2 अक्टूबर 2009। क्या होगा? सवाल नंबर नाइन, जल्दी। जल्दी क्या होगा बच्चे? ये देखो, 2 अक्टूबर 2007 को पहली बार यूएनओ ने अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, दैट मीन्स इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस की शुरुआत की गई है। ठीक है परवीन, क्या था क्वेश्चन नंबर 7? फिर से देख लेते हैं बच्चे, 7 नंबर क्या था भैया? पर ठीक तो है, भारत की स्वतंत्रता की अंतिम व्यवस्था किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर क्या होता है? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा बनता है। दैट्स इट, वही तो है ये, है ना? 2 अक्टूबर 2007 होगा, बिल्कुल याद रखना, ठीक ना? आगे देखो, भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा ऑल इंडिया हड़ताल था? ऑल इंडिया हड़ताल, रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध, जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, महात्मा गांधी पर जब केस हुआ था, या साइमन कमीशन का आगमन हुआ था? सवाल नंबर 10। हाँ, 2003 से NRI डे, बहुत बढ़िया। जल्दी बताओ क्या होगा, ये देखना, समझना क्या है। ऑल इंडिया हड़ताल की बात करता है, तो ऑल इंडिया हड़ताल जब 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई आता है, तब ऑल इंडिया हड़ताल की बात की गई थी। ऑल इंडिया हड़ताल की बात की गई थी, बिल्कुल याद रखना, ऑल इंडिया हड़ताल की, क्योंकि रॉलेट एक्ट के खिलाफ पूरा ऑल इंडिया में विरोध नहीं हुआ था बच्चे। रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध शुरू हुआ पंजाब में, है ना? तब जाकर जालियांवाला बाग हत्याकांड देखने को मिलता है 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है? साइमन गो बैक का नारा लगा था यहीं पे। उत्तर प्रदेश की चौरी चौरा में हिंसक घटना निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान देखने को मिलता है? सविनय अवज्ञा, असहयोग, भारत छोड़ो, पूर्ण स्वराज, सवाल नंबर 11। जल्दी है ना, तो क्या होगा बच्चे? नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन। तो याद होगा कि चौरी चौरा घटना कब होती है? 5 फरवरी 1922 को यह घटना घटता है, और इसके विरोध में 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के वापस ले लिया जाता है, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है? इसीलिए 10 मार्च 1922 को गांधी जी को पहली बार भारत में 6 वर्ष के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन भले छोड़ दिया जाता है 2 वर्षों में, लेकिन गिरफ्तार किया जाता है 6 वर्षों में, बिल्कुल याद रखना, ठीक है? तो सिविल डिजोबिडेंस 1930, 1920, 1942 और पूर्ण स्वराज की मांग 1929। क्लियर है ना? समझते चलना बिल्कुल, जितना डिटेल पढ़ा दे रहे हैं जितना लगभग मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगा बिल्कुल आज के क्लास से, है ना? कोशिश हमारी यही होगी। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को, ये पूरा एक्सप्लेन कर दिए आपके सामने। आगे देखो, किस स्थान पर सत्याग्रह ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी? खेड़ा, अहमदाबाद, बारदोली, दांडी। सवाल नंबर 12, जल्दी सवाल नंबर 12 क्या होगा? तो बारदोली बच्चे, 1928 में बारदोली सत्याग्रह में यहीं पे सरदार की उपाधि दी गई थी, आपको याद होगा सरदार की उपाधि दी गई थी बारदोली के महिलाओं के द्वारा। एक इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा कि गांधी जी ने किस पत्रिका में, यंग इंडिया पत्रिका में इस आंदोलन को समर्थन किया था। तो दो चीज़ें हैं, अगर यंग इंडिया बुक की बात करता है, यंग इंडिया बुक की बात करता है, तो ये कौन लिखते हैं? ये लिखते हैं लाला लाजपत राय। और अगर पत्रिका की बात करेगा तो गांधी जी, पत्रिका की बात करेगा तो गांधी जी, बिल्कुल याद रखना, ठीक है? आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी भारत के लौह पुरुष।
निम्न में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने उत्पीड़ित इंडिगो किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह शुरू किया? खेड़ा, बारदोली, चंपारण, दांडी, क्या होगा? सवाल नंबर 13। जल्दी ठीक है, क्या होगा भाई? देखो चंपारण में, आपको याद है चंपारण में सत्याग्रह हुआ था? अरे कैसे याद रखी है, ये कहानी है 1917 में चंपारण, 1918 में अहमदाबाद, 1918 में खेड़ा। ये सीक्वेंस याद रख लेना, ये सीक्वेंस याद रख लेना, ठीक है? ये सीक्वेंस बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल है ना। किस स्थान पर सत्याग्रह किसानों की समस्याओं से संबंधित नहीं था? अहमदाबाद, खेड़ा, बारदोली, चंपारण, सवाल में 14। ठीक है, किस स्थान पर बच्चे? अहमदाबाद। क्यों? क्योंकि ये श्रमिक लेबर का आंदोलन था, ये लेबर का आंदोलन था, श्रमिक का आंदोलन था, और यहीं पर गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक पहली बार भूख हड़ताल शुरू की थी पहली बार। जबकि खेड़ा, बारदोली, चंपारण सब क्या था? किसानों से संबंधित था। सब क्या था? किसानों से संबंधित था, बिल्कुल याद रखना, ठीक ना। ये क्या था? श्रमिक से था, मिल मालिकों के खिलाफ था, मिल मालिकों के खिलाफ था, बिल्कुल याद रखना, मिल मालिकों के खिलाफ था, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। कौन टाइम पत्रिका के शीर्ष 10 सबसे प्रभावशाली प्रदर्शनों में से एक है? क्विट इंडिया मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह या नमक सत्याग्रह? सवाल नंबर 15। भाई स्टैटिक, चंदन जी स्टैटिक जी के पढ़ लीजिए, बिल्कुल कवर हो जाएगा, है ना। रिवीजन करो यार, बहुत पढ़े हो, रिवीजन कर लो बिल्कुल। तो टाइम पत्रिका के शीर्ष सबसे बात करें तो नमक सत्याग्रह, क्या होगा? नमक सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह, भारत छोड़ो की बात करें 8 अगस्त 1942 को, चंपारण अभी मैंने बताया 1917, बारदोली मुझे बताया जनवरी 1928, तो सॉल्ट सत्याग्रह, ये नमक सत्याग्रह, ठीक है। नमक सत्याग्रह याद रखना, आज मैंने पढ़ाया है शाम को, क्योंकि आज है 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट, यानी आज से 90 साल पहले की घटना है ना। तो ये देखो, नमक मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू होता है और 6 अप्रैल तक जारी रहता है। क्यों? क्योंकि नमक कानून 6 अप्रैल को तोड़े जाते हैं, 5 अप्रैल को ये पहुँचते हैं दांडी, दांडी पहुँचते हैं जो गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। यह 24 दिवसीय नमक मार्च था। आप देख सकते हो कि महात्मा गांधी, ये मैन ऑफ द ईयर इन 1930 यूएस टाइम मैगजीन में डाला गया था, ये टाइम मैगजीन में डाला गया था, बिल्कुल याद रखना, है ना। आगे देखो, काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल होने के लिए पोर्ट ब्लेयर की खूंखार सेलुलर जेल में किसे भेजा गया था? राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन दास सान्याल, विनायक सावरकर या राम प्रसाद बिहारी बोस? सवाल नंबर 16। जल्दी बता बच्चे क्या होगा। बताओ क्या होगा बच्चे। तो सचिंद्रनाथ सान्याल, अब देखो राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें, इन्हें गोरखपुर में फांसी दी गई, गोरखपुर में इन्हें फांसी दी गई। विनायक सावरकर तो ये शामिल ही नहीं थे, आप लोग लगाओगे विनायक सावरकर, मुझे पता है, देख लो सावरकर लगा लिए, है ना। सावरकर देख के मुंह में पानी आ जाता है ना, तो कौन होगा? सचिंद्रनाथ सान्याल। कब हुआ था काकोरे ट्रेन डकैती? 9 अगस्त 1925 को। काकोरी कहाँ है? ये लखनऊ के पास यूपी में है। कौन शामिल था ये? तो कौन? एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 में कानपुर में की गई थी, कानपुर में की गई थी, ये शामिल था, है ना, ये शामिल था, बिल्कुल याद रखना। तो सान्याल, सचिंद्रनाथ सान्याल एक भारतीय क्रांतिकारी और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे, जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बनाया गया था, ठीक है। वो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के गुरु थे, क्या बात है, गुरु थे, याद रखना, है ना। आगे देखो, कौन जालियांवाला बाग की घटना से बाहर नहीं था? आप देख सकते हो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड लौटाया, या उधम सिंह द्वारा लेफ्टिनेंट ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दी गई? कौन बाहर नहीं था?
जल्दी। जालियांवाला बाग की घटना से कौन बाहर नहीं था? बता जल्दी बच्चे। ओहो, कौन बाहर था? कौन बाहर था? माफी चाहेंगे, कौन बाहर था? ठीक है, कौन बाहर था? सब सही ना है, सब सही ना है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। सवाल में फॉर्मेटिव में गड़बड़ थी, सवाल में गड़बड़ थी। ये बाहर था, क्यों बाहर था भाई? ये तब हुआ जब चौरी चौरी घटना होता है, जब चौरी चौरा घटना होता है, चौरी चौरा घटना होता है तब होगा, है ना? आई बात समझ में? क्लियर है? हाँ समझना, ठीक है, क्लियर है भाई? ठीक है, आगे देखो। किस स्थान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में झंडा सत्याग्रह सफलतापूर्वक किया गया था? पूना, नागपुर, बारदोली, बंबई। सवाल नंबर 18, जल्दी। ठीक है, नागपुर में। 1923 की बात करता है ये, कब? 1923 की बात करता है, 1923 की बात करता है, बिल्कुल याद रखना, कब? 1923 की बात करता है ना। मोइरांग जिस स्थान पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, वो कहाँ स्थित है? त्रिपुरा, अंडमान, बांग्लादेश, मणिपुर। सवाल नंबर 19, क्या होगा बच्चे? तो मोइरांग कहाँ है? मणिपुर में है। अब ये एक सवाल ये बन सकता है कि मोइरांग जो स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत प्रसिद्ध था, किस राज्य में है? तो मणिपुर में है, याद रखना। कहाँ पे है? मणिपुर में, याद रखना, बिल्कुल, है ना? आगे देखो। तो बच्चे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मोइरांग भारतीय राष्ट्रीय सेना का मुख्यालय था, और भारतीय राष्ट्रीय सेना के कर्नल शौकत अली ने 14 अप्रैल 1944 को मोइरांग में दूसरी बार भारतीय धरती पर तिरंगा फहराया था, है ना? आगे देखो नेक्स्ट। स्टुअर्ट गार्ड जिस स्थान पर मैडम भिकाजी कामा ने भारतीय ध्वज फहराया था, वह कहाँ स्थित है? फ्रांस, जापान, जर्मनी, अमेरिका। ये कई बार पूछ चुका है, और ये 1907 में झंडा फहराती है भारत से बाहर, भारत से बाहर पहली बार, भारत से बाहर पहली बार, भारत से बाहर पहली बार। ठीक है, तो क्या होगा बच्चे? जर्मनी में। स्टुअर्ट गार्ड कहाँ है? जर्मनी है। स्टुअर्ट गार्ड कहाँ है? जर्मनी है, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। तो मैडम कामा को किस नाम जानते हैं? भारतीय क्रांति की माँ जानते हैं, ये पहला। दूसरा, 22 अगस्त 1907 को, कब? 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में स्टुअर्ट ग्राट में विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाले पहले व्यक्ति बने हैं, पहले व्यक्ति बने हैं, बिल्कुल याद रखना। आगे, तमिलनाडु में वेदारण्यम में, वेदारण्यम में नमक सत्याग्रह निम्नलिखित में से किसने किया था? डॉक्टर राधाकृष्णन, मौलाना आजाद, पी सीतारामैया, या इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 21, जल्दी। बताओ क्या होगा, क्या होगा बच्चे? ये देखो क्या होगा, सी राजगोपालाचारी। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे नानोद्वीज होगा, यहाँ पे नानोद्वीज होगा। इसके बाद जवाब क्या निकल कर आएगा इसका? सी राजगोपालाचारी। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? ठीक है, समझ में आ गया, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, आगे देखो। तो ये आपके सामने पूरी पूरी कहानी है कि गांधी जी ने दांडी मार्च से शुरू की थी, और देश भर में ये आंदोलन चल पड़ा था, और राजगोपालाचारी ने मद्रास में किया था वेदारण्यम में। ठीक है, याद रखना। इनमें से कौन सी घटना लाहौर से जुड़ी नहीं है? लाहौर से जुड़ी नहीं है, क्या होगा? मौलिक अधिकार की मांग, जतिन दास का उपवास, भगत सिंह का निष्कासन, या पूर्ण स्वराज का संकल्प। सवाल नंबर 22, जल्दी। सवाल नंबर 22, क्या होगा बच्चे? देखो, तो ये फंडामेंटल राइट्स की मांग, अभी हमने पढ़ा कांग्रेस के अधिवेशन में कि 1931 में कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार
वल्लभ भाई पटेल ने डिमांड की थी कराची में। कहाँ पे? कराची में। अभी तो मैंने पढ़ाया आपको, अभी तो मैंने पढ़ाया, इतनी जल्दी भूलोगे? बताओ गलत है ना, कि गलत बात है ना? बाकी बात ये सब के सब लाहौर से जुड़े हैं। ये देखो ना, पुण्य स्वराज की मांग 1929 में। क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर है भाई, समझ में आ गया? जरा बता दो मामा का भांजा। ग्वालियर टैंक मैदान जिस पर अरुणा आसफ अली ने भारतीय तिरंगा फहराया था कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर, बम्बई, लाहौर, चटगांव। सवाल नंबर 23, जल्दी सवाल नंबर 23 क्या होगा? तो ग्वालियर टैंक मैदान की बात करें तो बम्बई में है। कहां पे? बम्बई में। और ये कब की घटना है? ये घटना है 8 अगस्त 1942 की घटना है। 8 अगस्त 1942 की घटना है। कब की घटना है ये? 8 अगस्त 1942 की घटना है। बिल्कुल याद रखना है ना, बम्बई में है। नेक्स्ट की बात करें, किस स्थान पर सत्याग्रह अंग्रेजों के खिलाफ नहीं किया गया था? चंपारण, बारदोली, वाइकॉम, खेड़ा। सवाल नंबर 24। वाइकॉम। क्यों ऐसा होगा बता सकते हो क्या? क्यों ऐसा होगा बता सकते हो क्या? केरल में, केरल में मंदिर के खिलाफ वाइकॉम सत्याग्रह 1924 से 25 के बीच केरल के हिंदू समाज में, बच्ची केरल के हिंदू समाज में छुआछूत और जातिगत भेदभाव के खिलाफ त्रावणकोर में एक सत्याग्रह था, याद रखना। ठीक है, ये अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था। ये क्या था? अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, अब देखो ये आ गया, थोड़ी सी आपको थोड़ी सी कसरत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या है कि स्वतंत्रता काल के दौरान जो घटनाएं घटी हैं उनको आपको अरेंज करना है। चंपारण सत्याग्रह, दांडी मार्च, नागपुर झंडा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। सवाल नंबर 25 को अरेंज करिए, सवाल नंबर 25 को अरेंज करिए, क्या होगा? बिल्कुल अरेंज करिए क्या होगा, पहले देखो समझना। ईयर से निकालो, चंपारण सत्याग्रह 1917, दांडी मार्च 1930, नागपुर झंडा सत्याग्रह भी मैंने पढ़ा है 1923, खेड़ा सत्याग्रह 1918। अब देखो सबसे पहले क्या आएगा? ए आएगा, इसके बाद डी आया, इसके बाद सी आया, इसके बाद बी आया। क्लियर है? क्या आएगा? ए डी सी बी, ए डी सी बी, है ना? क्लियर है ना? चलो, आगा खां पैलेस जहां महात्मा गांधी को कैद किया गया था और जहां कस्तूरबा गांधी ने अंतिम सांस ली थी, वो स्थान कौन सा है? नागपुर, लाहौर, पुणे, हैदराबाद। सवाल नंबर 26, सवाल नंबर 26 बताओ क्या होगा? सवाल नंबर 26 बच्चे कहाँ है? पुणे में, पुणे के आगा खां पैलेस में गांधी जी को 8 अगस्त 1942 को जब शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, तब 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तार किया गया था, है ना? गिरफ्तार किया गया था, बिल्कुल याद रखना। आगे देखो, किस स्थान पर कांग्रेस के अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता के रूप में मनाने का संकल्प लिया था? लाहौर, कलकत्ता, बम्बई, लखनऊ। सवाल नंबर 27, सवाल नंबर 27 क्या होगा? तो किस स्थान पर कांग्रेस के अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया था? लाहौर में। कब की बात है ये? ये बात है 1929 का लाहौर अधिवेशन में, जब जेएल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, जेएल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, बिल्कुल याद रखना, जेएल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, बिल्कुल याद रखना, है ना बच्चे? आगे देखो, मालाबार विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? बिहार, गुजरात, पंजाब, नन ऑफ दी। सवाल नंबर 28, सवाल नंबर 28 जल्दी, मालाबार विद्रोह किससे संबंधित है? तो मालाबार विद्रोह को हम बताए मोपला विद्रोह कहते हैं, मोपला रिबेलियन कहते हैं, मोपला रिबेलियन कहते हैं, मोपला विद्रोह कहते हैं, जो केरल से संबंधित है। किससे है? केरल से संबंधित है। मैंने क्या किया? मैंने यहाँ नन ऑफ दिस लगाया। आपको जब पीडीएफ मिलेगा तब आप क्या देखोगे? तब आप देखोगे केरल लगा हुआ है। याद रहेगा? याद रहेगा ना? याद रहेगा ना? चल लाइक दिखा दो, बिल्कुल सर याद रहेगा, थंब दिखा दो,
थम देखा तो बिल्कुल याद रहेगा, है ना। कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? असम, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र। सवाल नंबर 29, सवाल नंबर 29, जल्दी। तो बच्चे कूका आंदोलन की बात करें, यह पंजाब से है, एक कूकी आंदोलन है। अब जरा बताना, कूकी आंदोलन, कूकी रिवोल्ट, कूकी मूवमेंट किस राज्य से? मणिपुर है क्या? कूकी आंदोलन मणिपुर है क्या? अगर मणिपुर है तो जरा थंब दिखाना, बिल्कुल सर मणिपुर है, मणिपुर है, जरा थंब दिखाना, बिल्कुल सर मणिपुर है ना बच्चे। आगे देखो, किस आंदोलन ने तुरंत बंगाल विभाजन का अनुसरण किया था? असहयोग, स्वदेशी, सविनावज्ञा आंदोलन या गदर आंदोलन? सवाल नंबर 30 क्या होगा? देखो क्या होगा बच्चे, कहता बंगाल विभाजन के तुरंत बाद, तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को होता है ना। अब देखो ना, नन कॉपरेशन 1 अगस्त 1920 को हुआ, बिल्कुल सर। सविनावज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को हुआ, बिल्कुल सर। गदर आंदोलन की बात करें 1913 सैन फ्रांसिस्को, लाला हरदयाल। स्वदेशी आंदोलन 1905 में होता है, 1905 में होता है। क्या होगा? स्वदेशी मूवमेंट, क्या होगा? स्वदेशी मूवमेंट है ना। निम्नलिखित यूरोपीय लोगों में से कौन भारत में व्यापारियों के रूप में स्वतंत्रता से पहले आने वाले थे? आराम से समझना, स्वतंत्रता से पहले कौन आया था? जल्दी, स्वतंत्रता से पहले डच, अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली, कौन आया था स्वतंत्रता से पहले, बता सकते हो क्या? देखो समझना, डच 1602 में, अंग्रेजी 1608 में, पुर्तगाली 1498 में, फ्रेंच 1664 में, और भारत की आज़ादी 1947 में। अब देखो स्वतंत्रता से पहले कौन आया? फ्रेंच है। स्वतंत्रता से पहले कौन आया? फ्रेंच है, निकाल लो ना आसानी से, है ना। भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं प्रणाली को सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, मिंटो मॉर्टले रिफॉर्म 1909, मॉन्टेग्यू चेम्फोर्ड रिफॉर्म 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? सवाल नंबर 32 क्या होगा? सवाल नंबर 32 जल्दी। अरे भैया नींद आता है तो जाके सोता ना, काहे परेशान, जब नींद आ रहा है तो सो जाओ ना, कैसे थोड़े उठा रहे थोड़े आ रहे हैं भाई, उठ के पढ़ो सो, माँ बेकूफ हो यार। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म या मॉर्ले मिंटो सुधार जो सांप्रदायिक मतदाताओं की बात करता है, यानी मुसलमानों की बात करता है। मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात करें, सवाल नंबर 33, निम्नलिखित में से किसके साथ टिप्पणी है कि ना कोई वकील, ना कोई अपील, ना कोई दलील जुड़ा हुआ है? सांप्रदायिक पंचायत 1932, साइमन कमीशन 1928, रॉलेट एक्ट 1919 या इनमें से कोई नहीं? सवाल नंबर 33 जल्दी। तो आपको याद होगा कि जब रॉलेट एक्ट पास किया गया था, जिसको हम ब्लैक एक्ट बोलते हैं, जिसको ब्लैक एक्ट बोलते हैं, तो ब्लैक एक्ट कानून को ही क्या कहा गया था? ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई, अरे बातें समझ में, ठीक है भाई। इसी के बाद आपको देखने को मिलता है जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। आगे देखो, गांधी जी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण कहाँ दिया था? उनके दर्शक कौन थे? सवाल नंबर 34, लंदन गोलमेज सम्मेलन, दांडी साउथ सत्याग्रह, प्रिटोरिया भारतीय समुदाय या BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? सवाल नंबर 34 क्या होगा जी? देखो समझना, अगर भारत की बात करता ना, अगर इंडिया की बात करता, तब आप कहते हैं कि सर BHU, क्योंकि 1915 में जब गांधी जी भारत आते हैं तो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भाषण देते हैं, लेकिन ये बात करता है पहला सार्वजनिक, दैट मीन्स ओवरऑल पूरे विश्व में कहीं भी, तो क्या था? प्रिटोरिया इंडियन कम्युनिटी, प्रिटोरिया इंडियन कम्युनिटी, याद रखना। अगर इंडिया की बात करता तब आप BHU लगाते, जो इस बार रेलवे पिच चुका है। अगर इंडियन की बात करता, इंडिया की बात करता, तब आप लगाते, है ना, ठीक है भाई। आगे देखो, तो प्रिटोरिया में अपने प्रवास के दौरान गांधी जी ने धर्म पर लगभग 80 पुस्तकें पढ़ी है, ईसाई धर्म के प्रभाव में आए तो जरूर, लेकिन उन्होंने अपनाने से इनकार कर दिया, है ना। आगे, महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के प्रस्ताव के बारे में कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है? दक्षिण अफ्रीका 1903,
दिल्ली 1905, लंदन 1904, अहमदाबाद 1906, सवाल नंबर 35। जल्दी बताओ बच्चे क्या होगा। क्लियर है? देखो दक्षिण अफ्रीका 1903, दक्षिण अफ्रीका 1903 याद रखना, ठीक है भाई। तो महात्मा गांधी ने 1903 में जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में अपनी लॉ फर्म की स्थापना की और 1910 तक उन्होंने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ये याद रखना, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा है कई एग्जाम में। आगे जब माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, जेबी कृपलानी, सवाल नंबर 36। तो याद होगा जब माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। क्यों? क्योंकि 1946 में ये मेरठ में अध्यक्ष बनते हैं और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लाई गई थी। तो याद रखना ये भी 1947 में अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी इज करेक्ट। क्या होगा? जेबी कृपलानी इज करेक्ट, है ना। आगे महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? एनी बेसेंट, मृदुला साराभाई, मुथु लक्ष्मी, सरोजिनी नायडू। तो आपको याद होगा महात्मा गांधी जब आंदोलन की शुरुआत करते हैं नमक सत्याग्रह की तो साथ कौन देती है? सरोजिनी नायडू साथ देती है। कौन देती है? सरोजिनी नायडू साथ देती है। बिल्कुल याद रखना, है ना, सरोजिनी नायडू साथ देती है। आगे देखो महात्मा गांधी ने निम्नलिखित आंदोलनों में से हथियार के रूप में भूख हड़ताल का अंतिम प्रयोग कहाँ किया था? अंतिम पूछा है। क्या पूछा है? अंतिम पूछा है, लास्ट। अहमदाबाद आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 38। सवाल नंबर 38 क्या होगा? क्या होगा भाई? अंतिम पूछा है, यहां है ही ना। अगर देखो निम्नलिखित आंदोलन मतलब नीचे का आंदोलन, अगर यहां पे निम्नलिखित ना होता तब हम इनमें से कोई नहीं लगाते, तब हम इनमें से कोई। अब देखो कई लोग इनमें से कोई नहीं लगाए, समझना क्यों इनमें से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित आंदोलनों में से अगर अहमदाबाद ना होके कुछ और होता, मान लो यहां पे हम चंपारण कर दें, चंपारण कर दें, तब हम नन ऑफ दिस लगाते, तब हम नन ऑफ दिस लगाते। क्यों अहमदाबाद लगाए, समझ गए क्यों? क्योंकि यहां पे निम्नलिखित आंदोलन था, निम्नलिखित आंदोलन में अहमदाबाद हो चुका है, इसलिए अहमदाबाद इज करेक्ट। यहाँ पे निम्नलिखित अगर ना होता तब हम इनमें से कोई नहीं जाते, अगर यहाँ पे चंपारण होता तो भी हम नानो दिज लगाते। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया कि क्यों ये अहमदाबाद लगा है? अगर समझ में आ गया तो लाइक ठोक देना बिल्कुल सर, क्यों ये लगा है। और अगर ओवरऑल देखें तो पूना पैक्ट के पहले, पूना पैक्ट के पहले कम्युनल अवार्ड के विरोध में, कम्युनल अवार्ड के विरोध में ओवरऑल अगर देखें तो नोवाखली, जो नोवाखली जो हिंसा हुआ था बांग्लादेश में, है ना, ठीक है। यही तो लॉजिक है, यही तो लॉजिक है, इसी से तो सवाल बनते हैं। 1940 में आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू किया? गुजरात में नाडियाद, महाराष्ट्र पवनार, तमिलनाडु में अडियार, आंध्र प्रदेश में गुंटूर। सवाल नंबर 39 क्या होगा? पवनार में महाराष्ट्र। कौन? विनोबा भावे पहले सत्याग्रही, दूसरे जेएल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त, है ना। अडियार में आश्रम की स्थापना एनी बेसेंट करती है। कौन करती है? एनी बेसेंट करती है, बिल्कुल याद रखना। टुडेज लास्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम सवाल, कौन महात्मा गांधी से संबंधित है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हरिजन, हिंद स्वराज, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। चलिए तो आपको याद होगा ऑल ऑफ दीज, क्यों? माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये गुजराती में, ये ऑटोबायोग्राफी था गांधी जी का, आत्मकथा जो गुजरात में लिखा गया था, किसमें? गुजराती में लिखा गया था, बिल्कुल याद रखना, ठीक है।
तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करते हैं कुछ आपने नया सीखा होगा, रिवीजन हुआ होगा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया। थैंक यू, आपने 2 घंटे तक 2.5 घंटे तक अपने साथ निभाया हमारा, लेक्चर को सुना। अगर फायदा हुआ होगा तो ज़रा लाइक ठोक के जाना, और प्लस क्लास जो है CBT 2 के लिए और ग्रुप डी के लिए आप ज़रूर ज्वाइन करें हमारे साथ अनअकैडमी पे। और 8 तारीख से बच्चे 8 मार्च से यहाँ बैच शुरू हो रहा है। कहाँ पे बैच शुरू हो रहा है? पॉलिटी का। तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो थ्योरी पढ़ने के लिए अनअकैडमी पे। इसके अलावे अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो आप रेफरल कोड BABA10 लगा कर ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और भाई SSC कॉम्बैट में ज़रूर जुड़े जो 7 मार्च को होगा दोपहर 12 बजे। यूज कोड मांगेगा रेफरल कोड तो BABA10 लगा देना, बिल्कुल फ्री है, इनरोल कर देना अपने आपको, कोई पैसा नहीं लगेगा, है ना। और याद रखना कल सुबह 9 बजे वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे सभी परीक्षाओं के लिए 50 प्रश्नों का लाइव टेस्ट बिल्कुल रैपिड फायर में, ताकि देखेंगे कि आप कितने तैयार हैं, ठीक है। चलिए, अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाना। मिलते हैं फिर सुबह 8:15 पे स्टूडियो पे UPSI के लिए और 9 बजे मेन चैनल पे, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शुक्रिया।